हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज मेरे बच्चे, हम लोग अपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की सेकेंड क्लास और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के अंदर में पहली क्लास के अंदर में आज एंट्री किए हैं। और इस चैप्टर में मेरे बच्चे, जितने भी बातें हमारे सीएमए फाइनल सीएफआर में एग्जामिनर पूछ सकता है, उन सारी बातों को मैं कॉन्सेप्चुअली आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा अंडर द चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये चैप्टर बच्चों को परेशान करता है और आपके इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिया है, आई थिंक एक या दो, तो उससे कहाँ कोई चीज़ समझ में आने वाली है। तो हम कोई चिंता नहीं कीजिए, हमने अपने बुक में एनफ क्वेश्चन आपको दिया हुआ, आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? आइए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक एक यहाँ पे मेरे बच्चे, मैंने एक बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया हुआ है, नो डाउट कि ओल्ड फॉर्मेट में है, बट चिंता नहीं करो, हम लोग इसका जो जितने भी बैलेंस शीट सीखेंगे आगे, हम इंडेक्स के मुताबिक ही सीखेंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में क्रिएट करा था, उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर में मैंने क्या किया, इस बैलेंस शीट को बनाया है। आप भी क्या करेंगे, ये जो हमारा आपका एग्जाम्पल नंबर वन मैं बोल देता हूँ, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। अभी आपको ये लिखना नहीं है, जब मैं कहूँ कि आप इसकी कॉपी कर लो तभी आपने क्वेश्चन को इसकी कॉपी करनी है, ठीक है ना? अभी नहीं, पहले मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर का मीनिंग आपको समझा लेने दीजिए। तो बैलेंस शीट में, यहाँ पे बैलेंस शीट आपका एक सिमेट्री का दिख रहा है 31 मार्च 2024 का। मेरे बच्चे, एक छोटी सी कहानी इस कंपनी के साथ घटी है, वो घटना, वो कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पहले उसको समझ लीजिए फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? सुनिए मेरी बात, लिखना बंद करेंगे, मेरी बात सुनेंगे। ये कंपनी जो एक्स लिमिटेड है ना बच्चे, ये कंपनी जो आपका एक्स लिमिटेड है, ये कंपनी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो प्रोजेक्ट दी बेस्ट है, इतना अच्छा कि उस पर काम करने वाला कोई प्रोजेक्ट आपका डाउन जा ही नहीं सकता, दी बेस्ट प्रोजेक्ट है। लेकिन मेरे बच्चे, ये कंपनी जो पहले खूब सारे प्रॉफिट कमा रही थी, अच्छा खासा इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, एक समय के बाद अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, इस कंपनी को लॉस होने शुरू हो गए। लॉस एंड लॉस। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी का दीवेस प्रोजेक्ट है, जब कंपनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा रही थी, प्रोजेक्ट अच्छा है, तो अचानक कंपनी लॉस में कैसे आ सकती है? होता मेरे बच्चे, कई सारे रीजन होते हैं, मैं कुछ रीजन आपको बताता हूँ। जैसे सबसे बड़ा रीजन, अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि कोरोना आ गया, कोरोना आने के चलते इनका बिजनेस जिस पे, जिस कस्टमर पर टिका था, कस्टमर बेस ही खत्म हो गया, तो फिर क्या हुआ कि सब कुछ खत्म। या जिस देश को ये अपना चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ पे इतना कोरोना हुआ कि वहाँ पे कई सारी पाबंदियाँ लग गई, बिजनेस कम हो गया, कोई लीगल कंप्लायंस आ गया, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आ गए, कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे हमारा बिजनेस टिका हुआ था, वहाँ पे मान लो वहाँ से हमारी कंट्री के झगड़े हो गए, कुछ भी हो सकता है, मैं उस रीजन में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि जो प्रोजेक्ट दीमेस था और जिसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे, अब कुछ वर्षों से मेरे बच्चे, हमें इस कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इस कंपनी के जो मालिक हैं, वो इस लॉस को करने के बावजूद कई साल तक कंपनी चलाया कि कहीं शायद ये कंपनी रिकवर हो जाए। लेकिन आज वो सिचुएशन आ गया है मेरे बच्चे, आज हम उस सिचुएशन पे आ गए हैं कि अब कंपनी के जो ओनर है ना, इस कंपनी के मालिक, उनको लगता है कि यार कंपनी अब नहीं बच सकती, कंपनी खत्म हो चुकी है। और मैं आपको कुछ अंदर की बातें बताता हूं इस बैलेंस शीट के अंदर में, जो आपको दिख रहा है कि कुछ और भी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जो कि इस बैलेंस शीट में आपको नहीं दिख रहा है। इस कंपनी ने, ये जो कंपनी का मालिक था ना, मिस्टर एक्स, वो कंपनी का मालिक यहां पे मेरे बच्चे, यहां पे जब इतने सारे समय खत्म हो गए और उसको लगता है कि अब कंपनी रिवाइव नहीं हो सकती, कंपनी लॉस मेकिंग हो चुकी है, हमें इस कंपनी को बंद करना होगा, तो फिर ये कंपनी मेरे आपके जैसे कुछ सीएमए के पास आई और आके बोली कि देखो जी, कंपनी मेरी बर्बाद हो चुकी, इस कंपनी को बंद कर दो, हमें नहीं चलाना। हमने कहा क्यों नहीं चलाना, कंपनी में क्या दिक्कत हो गई? उसने बताया कि सब कुछ ठीक था, प्रोजेक्ट भी ठीक था, वो कुछ ऐसे रीजन, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज आ गए जिनके चलते कई वर्षों तक कंपनी को लॉस होते चला चुका है, जा चुका है। और उन्होंने बताया कि आज जो बैलेंस शीट में आपको दिख रहा ना, 18,50,000 के एसेट्स, एक्चुअली इनकी वैल्यू 1850 रही भी नहीं है, इनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है।
हम सीएमए ने उनसे पूछा कि कितनी वैल्यू रह गई है, या हमने खुद एनालिसिस किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कंपनी के बैलेंस शीट में जो आपके एसेट्स दिख रहे हैं ना बच्चे 1850 के, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इनका जो रियल वर्थ है, मार्केट वैल्यू यानी कि रियल वर्थ, वो कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों मिस्टर एक्स आज कंपनी को बंद करना चाहता है, क्यों उस कंपनी को बंद करना चाहता है, उसका रीजन बता रहा हूं। सुनिए मेरी बात। एक तो रीजन आपको समझ में आ गया कि कंपनी लॉस मेकिंग है और उनको लगता है कि कंपनी अब रिवाइव नहीं हो सकती। लेकिन कंपनी क्यों रिवाइव नहीं हो सकती, मैं उसका रीजन आपको बता रहा हूं। ये देखिए, इन्होंने बैलेंस शीट में जो मशीन 4 लाख का लिखा ना मेरे बच्चे, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू जो आज के टाइम पे ना, वो आपका मुश्किल से 2 लाख आपका 40,000 का है। 240 सर, हम भी लिखे नहीं बदमाश, सुनो तो मेरी बात। 240 मतलब बैलेंस शीट में 4 लाख तो दिखा रहा हूं, लेकिन इसका जो इसमें बहुत सारे इंपेयरमेंट हो चुके हैं और जो इसका रिकवरेबल अमाउंट दिख रहा है वो 240 का अमाउंट दिख रहा है, इससे ज्यादा नहीं। फर्नीचर जो 2 लाख का दिख रहा है, इन्होंने बैठ बैठ के सब खत्म कर दिया है, इसकी वैल्यू मेरे बच्चे मुश्किल से आज के टाइम पे 1,20,000 की रह गई है। चलो बिल्डिंग मानता हूं कि जो 5 लाख का है थोड़ी वैल्यू अप्रिशिएट कर गई है, और इसकी वैल्यू आज मार्केट में क्या जी 5,50,000 की हो चुकी है, 550 का आपका, ठीक है ना। डेटर्स जो 120 बता रहे हैं, हमें लगता है कि इनसे 120 रिकवर नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम जो इसे इनसे रिकवरी हो पाएगा वो 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका। चलो कैश ठीक है जी 80,000 है तो हम 80 मान लेते हैं, क्योंकि कैश में क्या कम होगा। पेटेंट्स की भी वैल्यू मान लेता हूं कि चलो 250 का है, लेकिन सोचो ना जब कंपनी ये लॉस मेकिंग हो चुकी है तो काहे की अब गुडविल, काहे की ब्रांड वैल्यू। ये 1 लाख जो वैल्यू यहां दिख रहा है उसकी वैल्यू आज एक्चुअली 0 हो चुकी है, नील हो चुकी है आपका। प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, ये तो खुद ही लॉस है, ये कोई एसेट थोड़े है, तो इनका वैल्यू खत्म हो चुका है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अब बैलेंस शीट में दिखाना अलाउड नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बट आपके इंस्टीट्यूट ने कई सारे चैप्टर में, कई सारे क्वेश्चन में ऐसे जो फिक्टिशियस एसेट्स है उनका नाम लिखा हुआ है, तो मैंने उनको अभी रखा है कि कहीं एग्जाम में आ जाए तो परेशान नहीं होना। लेकिन आपको पता है कि ये भी एक तरीके का लॉस ही है, ये कोई एसेट थोड़ी है, यानी कि इनको आज बेचूं तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा, नील ही तो मिलेगा। यानी कि आप देखो इनके बैलेंस शीट में जो एसेट साइड 1850 का दिख रहा है, इसकी रियल वैल्यू आज कितनी है जरा एक बार ऐड करना, तो 240 का अमाउंट प्लस 120 का अमाउंट प्लस आपका 550 का अमाउंट प्लस आपका 1 लाख रुपीज का अमाउंट प्लस आपके 80,000 कैश और प्लस मेरे बच्चे आपका 250, यानी कि इनका जो रियल वर्थ है ना वो 13,40,000 के करीब है। मतलब लगभग 50% से इनके एसेट्स की वैल्यू मार्केट में खत्म हो चुकी है, है ना। ये आपका 1340 इनके एसेट्स का रियल वर्थ हो चुका है, और इसके कोरस्पोंडिंग अगर हम लायबिलिटी साइड देखें तो आज भी लायबिलिटी हमारा क्या है 1850 का। तो मेरे बच्चे मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी का जो मालिक कहता है कि अब मैं कंपनी को रिवाइव नहीं कर सकता, इस कंपनी को बंद कर दो, वो हमारे पास आया है कि कंपनी को बंद कर दो, हम लोग उसमें देख रहे हैं कि पहले कि आखिर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, तो हमें क्या दिखाई दिया, एसेट्स की वैल्यू कम हो चुकी है। लेकिन इसके कोरस्पोंडिंग अगर इनके बैलेंस शीट में देखें आप, तो लायबिलिटी आज भी क्या है 1850 का है, 1850 का। और इससे भी बड़ी परेशानी, शायद आपको नहीं दिखा बच्चे, बट मैं देख गया कि इन्होंने जो ये लोन लिए है ना, ये जो कर्ज है, इन कर्ज पे रेट जो है बहुत हाई मुझे दिख रहा है, 16% 18%। बताओ मार्केट में जहां पे कर्ज आज 10% 12% पे इजिली मिल जाते हैं, आपने इतने रेट पे कर्ज लिए हैं। था वो समय जब खूब सारे प्रॉफिट कमाते थे तो कर्ज पे क्या रेट था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमने 2-4% एक्स्ट्रा भी देख के पैसा इकट्ठा कर लिया था। लेकिन आज मेरे बच्चे कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है और उस केस में प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो ये जो बर्डन इतना पे करने का वो एक्सट्रीमली हाई होते चला जा रहा है और कंपनी बर्बाद 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 होते चली जा रही है। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि आज इस कंपनी का क्या स्टेज है जी, ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट दी बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज आए थे जिनके चलते कंपनी कई वर्षों से लॉस हो रही थी, और आज मेरे बच्चे वो स्थिति आ चुकी है कि इनके एसेट्स की वैल्यू डाउन हो चुका है, लायबिलिटी हमारे पास उतना ही दिख रहा है, और साथ ही साथ जो रेट है वो भी हाई दिख रहा है आपका। तो इसलिए मिस्टर एक्स हमारे पास आया और हमारे पास आके बोलता है कि भैया आप मेरी कंपनी को बंद कर दो। अब हमने उनको बोला कि ठीक है आप कहते हो तो मैं कंपनी बंद कर दूंगा, आपके एसेट्स को बेच दूंगा, लायबिलिटी को पे कर दूंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमने इनको कहा कि एक बात बताओ
कि क्या आपको अपने प्रोजेक्ट पे श्योरिटी है कि प्रोजेक्ट आपका दी बेस्ट है? एक्स ने बोला कि दावे के साथ सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बहुत मस्त है, क्योंकि कई वर्षों तक मैंने प्रॉफिट कमाया है। तो फिर हमने बोला कि एक बात बताओ, क्या इस प्रोजेक्ट में अगर आज का जो सिचुएशन है उस प्रोजेक्ट में से प्रॉफिट कमा सकते हो? तो मिस्टर एक्स ने कहा कि क्या बात कहते हो, आज कोरोना खत्म हो चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है, सारी स्थिति नॉर्मल हो चुकी है। अगर मुझे एक मौका मिल जाए ना, एक मौका मिल जाए, मतलब मेरी कंपनी में जो बाकी दिक्कतें आ चुकी है, क्या दिक्कतें आ चुकी हैं? एक तो हम देख रहे हैं कि भैया एसेट्स हमारे ओवर वैल्यूड है, दूसरा लायबिलिटी आज भी हमारा उतना दिख रहा है और रेट भी बड़े हाई हैं। हमने कहा कि अगर इन तीन चार जो हमें दिख रहा दिक्कतें, अगर इनसे छुटकारा मिल जाए, अगर हमारे कंपनी को प्रॉपर वैल्यू कर दिया जाए, लायबिलिटी को भी उतने पर लेकर आ जाया जाए, तो मैं बिलीव करो कि कंपनी को मस्त तरीके से चला लूंगा और एक जबरदस्त ब्रांड जो हमारा था पहले उससे भी बड़ा ब्रांड बना के दिखा दूंगा। तो मेरे बच्चे, अब हमारे पास यानी कि हम सीएमए के पास एक चैलेंज आ गया कि हमें इस कंपनी के बैलेंस शीट में यानी कि इस कंपनी के अंदर में जितनी सारी बीमारियां दिख रही हैं, जल्दी बताओ बीमारियां क्या है? क्या प्रोजेक्ट बीमारी है? नहीं, वो तो डी बेस्ड है। क्या ये बंदा खराब दिख रहा? नहीं सर, ये भी ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या क्या है? एक तो एसेट्स ओवर वैल्यूड है, दूसरा लायबिलिटी आज भी आपका इनके मुकाबले कहीं ज़्यादा है, और तीसरा लायबिलिटी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा है। तो मेरे बच्चे, हम सीएमए जिस प्रोसेस में इनके सारे एसेट्स को पहले हम ट्रूली वैल्यू करेंगे, उसके बाद इनके जो लायबिलिटीज वाले हैं, लायबिलिटी वाले इस साइड जो दिख रहे हैं, उनसे नेगोशिएट करके उनका जो कर्ज 18,50,000 है उसको हम कितना 13,40 पे लेकर आएंगे, और साथ ही साथ जिनका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनसे रेट भी कम करा के सही कंपनी इनके हाथ में देंगे। ये काम जिस प्रोसेस में हम करेंगे उसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपको पहले चैप्टर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर की बदकिस्मती है कि बच्चे चैप्टर तो पूरा पढ़ लेते हैं बट उनको पता नहीं कि हमने चैप्टर में क्या किया। अरे यही तो किया, एक मरते हुए कंपनी को हमने जिंदा कर दिया। और कैसे जिंदा किया? उस कंपनी के फाइनेंशियल जो आपको पोजीशन दिख रहा है उसमें जितनी सारी कमियां हैं उनको दूर करना, और दूर करके इनको देना कि लो भैया अब आप कंपनी को चलाओ, इस कंपनी में जितनी सारी परेशानियां थी हमने दूर कर दी, वही मेरे बच्चे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो पता है, आप रियल लाइफ में कल को जब सीएमए क्वालिफाई कर लेंगे, अपना कंसल्टेंसी फॉर्म खोलेंगे और वहां पे ऐसी कंपनी को जो आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, वो रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, कैसे आप नेगोशिएट करेंगे, उसी बात को मैं इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूँ। है ना, क्लियर है यहाँ पे? अरे बोलो ना, हाँ बदमाश, अरे बोलो ना एक बार कम से कम कि क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में एक लेमैन, एक ऐसा आदमी जिसको अकाउंटेंसी नहीं आता, क्या आप उनको समझा सकते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये सर समझा सकते हैं। क्या समझाएंगे? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो लॉस मेकिंग कंपनी जिसमें कई सारी बीमारियां थी, उन बीमारियों को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको दूर करने के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इनके सारे सेट्स को पहले हम रियल वैल्यू पर लेकर आएंगे, ट्रूली वैल्यू करेंगे। ट्रूली वैल्यू करने के बाद इनके जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी दिख रहा है, इस साइड को भी हम इनसे नेगोशिएट करके, इनसे कर्ज कम करा के हम इतने पर लेके आने की कोशिश करेंगे, और जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम उनसे भी क्या, उनको भी क्या करेंगे जी, रेट कुछ कम कराएंगे ताकि वो कंपनी आराम से चल जाए और किसी तरीके का बर्डन ना हो। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सर, अब एक काम करते हैं, अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा और क्वेश्चन आपको मेरे साथ ही लेके चलना है, मेरे साथ ही आगे। तो मैं यहां पे किनारे हो जाता हूं और आप इस बैलेंस शीट की कॉपी करेंगे। ये जो मैंने ये ग्रीन में लिखा ना बच्चे, ग्रीन में जो लाइट ग्रीन दिख रहा है, इस चीज को आपको कॉपी नहीं करना, आपको सिर्फ व्हाइट में जो मैंने बैलेंस शीट में लिखा है इसकी कॉपी कीजिए जल्दी से। मैं वेट नहीं करूंगा, मैं वीडियो को आप पॉज करके, यहीं पर पॉज करके आप पहले पूरा कॉपी करें, इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाइए। मैं 2 सेकंड के लिए शांत हो जाता हूं। ठीक है, मान लिया कि अब आपने इसको वीडियो को पहुंच करके इसकी कॉपी कर ली होगी, और आगे की जितनी सारी बातें मैं करने वाला हूं आपको मेरे साथ साथ करना होगा। आइए अब स्टार्ट करता हूं। लिखिए मेरे साथ, लिखेंगे आप यहां पर मेरे साथ, ये बैलेंस शीट के बाद लिखेंगे आप, बैलेंस शीट के बाद यहां लिखेंगे अंडर, लिखिए यहाँ पे अंडर
द स्कीम, लिखिए मेरे साथ, अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन following agreements were made. ये agreements हुए हैं मेरे बच्चे, यानी कि वो जो आपने लोगों से नेगोशिएट किया, उस नेगोशिएशन को क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे बता रहा है, आपको वहाँ पे उसकी एंट्री कर दी। देखिए क्या बोल रहा आपका, तो आप ना इसके नीचे लिखिए, आप यहाँ नीचे लिखेंगे, मैं उसको यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, आप यहीं से इसी के नीचे शुरू कीजिए आप, और मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना। लिखेंगे पॉइंट नंबर वन कहता है कि एसेट्स वेयर वैल्यूड एज अंडर, वो आप उनके एसेट्स को ट्रू वैल्यू पे लाने के प्रोसेस में आपने कुछ इस तरीके से वैल्यू किया। वो कहता है कि मशीन की वैल्यू वो कितना हो गया जी, 240 है ना। इसलिए मैंने ये जो आपका जो ग्रीन में है वो नहीं लिखने के मना किया था, क्योंकि मैं उसको क्वेश्चन के रूप में आपको दिखाना चाहता हूँ। फर्नीचर की वैल्यू कहता है यहाँ पे, फर्नीचर की वैल्यू वो कहता है कि हमारे जो फर्नीचर की वैल्यू है वो 120,000 आपका हो गया, 120। वो कहता है कि बिल्डिंग की वैल्यू वो आपका 550,000 का अमाउंट हो गया, 550 का अमाउंट आपका, 550, ठीक है ना। डेटर्स कहता है कि डेटर्स को वैल्यू किया गया है, डेटर्स आप कितने पे जी, 1 लाख रुपीज़ हमारे डेटर्स की वैल्यू हो गई है। कैश ठीक है आपका, पेटेंट्स ठीक है, गुडविल कहता है कि गुडविल की वैल्यू हो चुकी है कितनी जी, नील, गुडविल की वैल्यू आपकी नील हो चुकी है, ठीक है ना। तो इतने सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में दिया, अभी दिमाग में इफ और मत लेके आना, जैसे जैसे आपके संतोष सर बोल रहे हैं वैसे वैसे चैप्टर को लेकर चलिए, बहुत सिंपल चैप्टर बन जाएगा आपके लिए, अदरवाइज इसको समझाने वाला दूर दूर तक मेरे बच्चे दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन ने इतनी सारी बातें बताई कि एसेट्स की वैल्यू इस तरीके से हो गई है। पता है इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में आपको जनरली जर्नल एंट्री पास करने के लिए आएगा, क्योंकि जो नेगोशिएशन वो सीएमए डिफरेंट लोगों से किया होगा, एसेट्स को ट्रूली वैल्यू किया होगा, वो कितने वैल्यू किया, सब क्वेश्चन बताएगा आपको, तो सिर्फ एंट्री पास करना और कुछ भी नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, मैं इसकी एंट्री पास कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो उस पॉइंट से जुड़ा हुआ जो भी एंट्री होगा बच्चे उसके साथ साथ करूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आइए जरा आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए इसका, यहाँ पे एंट्री क्या होगा, एंट्री में नंबर ए बता रहा हूँ आपका, जनरल एंट्री, ध्यान दीजिए, रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट है, अब जो बता रहा हूँ वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा, बट क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन आंसर दोनों साथ साथ दिखा रहा हूँ। देखो आप एंट्री कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। अरे वो जनरल एंट्री तो पास करने आता है ना, वो बचपन की बात है, जब छोटे छोटे बच्चे थे, आपके छोटे छोटे सर होते थे, याद करो 11वीं 12वीं क्लास की कहानी, वो जनरल एंट्री आपको पास करना सिखाते थे, आप जानते हैं जनरल एंट्री पास करना। फिर भी मैं मानता हूं कि आपसे जैसा, आपसे ज्यादा नालायक इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मेरे बच्चे मैं जनरल एंट्री पास करने का आपको तरीका ही बता देता हूं, अगर आप भूल गए हैं तो। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी नाम होते हैं, इनमें से कोई भी नाम अगर आपका इंक्रीज करता है तो बताओ हम जनरल एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना। अगर इनमें से कोई भी नाम इंक्रीज करता है तो वी पास जनरल एंट्री, और इसमें से कोई भी नाम अगर नीचे मतलब डिक्रीज करता है मेरे बच्चे, डिक्रीज करता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपका डिक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करें। अरे वो बचपन की बात है, वो छोटे छोटे सर, वो प्यारे प्यारे सर आपको बताया करते थे कि एसेट्स या लॉस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, वही काम कर रहे हैं। लायबिलिटी साइड में कोई भी नाम अगर आपका इंक्रीज करता है, ऊपर का मतलब क्या जी, इंक्रीज करना, लायबिलिटी साइड में कोई भी नाम इंक्रीज किया तो हम क्रेडिट करते हैं, और इधर का कोई भी नाम मेरे बच्चे अगर आपका डिक्रीज करता है, नीचे का मतलब कि डिक्रीज, तो हम क्या करते हैं जी, डेबिट करते हैं। लो वो बचपन की बात भी याद दिला दी, ताकि आप एंट्री प्रॉपर तरीके से पास करें। वो एक पता नहीं क्या गंदे तरीका पड़ा होगा, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन गोज आउट, उस सब बात भूलो, सिंपल तरीका है, इस तरीके से एंट्री पास करते हैं। ऐसे मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ यार, आप फाइनल के बच्चे हो, है ना। आइए
अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो मशीन जो 4 का था 240 हो गया। आप मुझे बताओ बैलेंस शीट में जो मशीन 4 का था उसको 240 पे आपको लेकर आना है, तो मशीन की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? सर डिक्रीज करना है। तो मशीन मेरे बच्चे अगर डिक्रीज किया तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। आप यहाँ बोलेंगे टू मशीन अकाउंट, ये लीजिए आपने बोला टू मशीन अकाउंट, तो मशीन यानी कि एसेट की वैल्यू कम हो गई, कम कर दो। बताओ मशीन कितने से कम हो गया, 1,60,000 से, 160 से, लीजिए ये भी काम हो गया। उसके बाद चेक करो फर्नीचर, फर्नीचर जो बैलेंस शीट में 2 लाख का था 120 का हो गया। बताओ फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, सर डिक्रीज किया। वैल्यू अगर डिक्रीज किया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसको भी कह दो यहाँ पे टू फर्नीचर अकाउंट। जितने भी एसेट्स आपके कम हो रहे हैं जिनकी वैल्यू कितने से कम हो रहा है, 80,000, उसको आप कम कर दो यहाँ पे, कम कर दो। उसके बाद मेरे बच्चे बिल्डिंग छोड़ दो क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ रही है। डेटर्स जो 120 का था 1 लाख रह गया, तो डेटर्स की वैल्यू क्या हुआ, 20,000 से कम हो गया। अगर डेटर्स की वैल्यू 20,000 से कम हो गया तो या तो आप लिख दो यहाँ पे टू डेटर्स, या फिर आप कह सकते हो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर वो साफ साफ ना बताए कि डेटर्स डूब गए तो हम मानते हैं कि उतना डूबने के चांसेज हो गए। तो अगर वो कहता है कि बैडर्स हो गया जी, बैडर्स हो गया 20,000 का ये जो डिफरेंस है, तब तो हम टू डेटर्स कह देंगे। बट कहता है कि डेटर्स को 120 के जो थे वो 1 लाख पे वैल्यू किया गया, तो हम ये मानते हैं कि 20 का डाउट क्रिएट हो गया, और जब डेटर्स पे डाउट क्रिएट होता है वी क्रिएट प्रोविजन, तो हम प्रोविजन बढ़ा देंगे, है ना, ये भी काम हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे उसके बाद देखिए आप यहाँ पे डेटर्स हो गया, कैश ठीक है, पेटेंट्स ठीक है, गुडविल भी आपका जो 1 लाख का था 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू को भी यहाँ पे कम कर देंगे। जितने भी एसेट्स कम होंगे दे ऑल विल बी क्रिएटेड। जरा बताओ अच्छा प्रोविजन कितने से, तो 20,000 से प्रोविजन आपका यहाँ पे 20 से आपका बना, और गुडविल की वैल्यू कितने से कम हो गई, पूरे 1 लाख रुपीज से, पूरे 1 लाख रुपीज से। तो मुझे बताओ जरा ये आपके जितने भी एसेट्स की वैल्यू गिरी, मशीन फर्नीचर डेटर्स गुडविल, जितने से वैल्यू कम हो गया कर दिया आपने। अब देखो ये मतलब कि कोई एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो गई तो कम कर दो, और इसके वैल्यू के कम होने से जरा बताओ कंपनी को घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, सर लॉस हो रहा है, घाटा हुआ ना। एसेट्स की वैल्यू मेरे बच्चे कम हो गई, इम्पेयर्ड हो गई, तो हमें तो घाटा हुआ। जब भी घाटा होगा, जब भी घाटा होगा, तो घाटा हो चाहे फायदा हो, अभी घाटा भी आगे फायदा भी आएगा, वो घाटा फायदा क्या करेंगे, आप एक डमी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। हमने क्या बोला, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका। तो ये आपका डेबिट, बताइए एंट्री कितने से बन गया, 160 और 80, 240, 260, 360, तो 3,60,000 से हमने क्या किया, ये एंट्री पास किया। सुन रहे हो ना मेरी बात, हमने कहा कि एसेट की वैल्यू कम हो गई कम कर दो, जिन एसेट्स की वैल्यू जितनी कम हो गई कम कर दो, और इनके कम होने से जो कंपनी को लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है उस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, कर दिया हमने। इसके बाद मेरे बच्चे इसी पॉइंट में एक एंट्री और पास हो जाएगी, बिल्डिंग को लेकर एक और एंट्री बनाइए। जरा बताओ बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, सर इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, बिल्डिंग एसेट से बढ़ना क्या होगा, डेबिट होगा। तो आप बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कीजिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। कितने से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई आपकी, 50,000 से। आप मुझे बताओ बिल्डिंग की वैल्यू अगर 50,000 से बढ़ गई तो आपको यानी कि कंपनी को घाटा हुआ कि फायदा हुआ, सर फायदा हुआ, वैल्यू बढ़ गया। कुछ भी हो मेरे बच्चे, घाटा हो चाहे फायदा हो, लॉस हो चाहे गेन हो, दैट लॉस ऑन गेन वी ऑलवेज ट्रांसफर टू दैट डमी अकाउंट, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका। तो हम इसको क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, खत्म होगी बात आपका। हमने एंट्री पास कर दिया, सर एक सवाल है, पूछो क्या। सर ये दोनों एंट्री क्लब नहीं कर सकते, कर सकते बट करना नहीं। लॉस वाली एंट्री एक साथ पास कर दो, फायदे वाली एंट्री एक साथ पास कर दो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ही है। अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो जैसे काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम कीजिए, ज़्यादा मत बोलिए आप, ज़्यादा मत बोलिए, तो ये काम आपका हो गया। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग इसके बैलेंस शीट में पहले जितने सारे सेट्स हैं ना, हम उनको ट्रूली वैल्यू कर रहे हैं, और ट्रूली वैल्यू करने के सीक्वेंस में जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं जी, कि ट्रूली वैल्यू करते समय जितने भी एसेट्स की जो रियल वैल्यू हम उस पर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको ला रहे हैं मेरे बच्चे। वैल्यू बढ़ गया तो भी, घट गया तो भी, और ये जो घाटे फायदे हो रहे हैं, दैट घाटा फायदा वी आर ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, ठीक है।
जरा मुझे बताओ, ये जो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है? सर हम सीएमए कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम सीएमए कर रहे हैं, सीएमए क्वालिफाइड कर रहा है, सीएमए क्वालिफाइड। आप सीएमए क्वालिफाइड अपने आप को मानिए, ठीक है ना, आप सीएमए क्वालिफाइड है। आप मुझे बताओ कि क्या इस बैलेंस शीट में इसके एसेट साइड को देख के ये दो नाम आपको अजीब से नहीं लग रहे हैं? क्या प्रॉफिट लॉस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कोई एसेट है क्या? नहीं सर, ये तो एसेट नहीं है, तो लॉस है या कल को लॉस बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बीमारियां इनको हटाना पड़ेगा। ये लॉस या फिर फिक्टिशियस एसेट्स यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ऐसा कुछ भी नाम अगर बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो वो हमेशा आपको हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन बोले तो भी, ना बोले तो भी, वो कहेगा कि इनको हटाओ तो भी हटा देंगे, नहीं बोलेगा तो भी हटाएंगे, क्योंकि ये लॉसेज हैं। इन सारे लॉसेज को ही तो हटाना है, तभी तो आपका सारी बीमारियां दूर होंगी। तो मैं अब देखो, इस ये जो पॉइंट नंबर वन मैंने बनाया था, इस पॉइंट वन में मेरे बच्चे मैंने ये लॉसेज के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ना बोले तो भी राइट ऑफ करेंगे, लिखे यहाँ पे आपका नोट, लिखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट, लिखेंगे इम्पोर्टेंट नोट, नोट नंबर वन, नंबर वन लिखना। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस and all fictitious assets का मतलब जो assets नहीं है but फिर भी हम balance sheet assets के रूप में दिखाते हैं। For example आपका preliminary expenses हो गया comma discount on debentures हो गया। अब तो ये नाम balance sheet में दिखाना allowed है नहीं, पता नहीं इंस्टीट्यूट क्यों बदमाशी करता है, वो दिखाता है तो हम कोई बात नहीं उसको सीख लेते हैं, आ जाए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, एक्सेट्रा, ऐसा कोई भी नाम होगा। विल ऑलवेज बी रिटन ऑफ थ्रू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट विल ऑलवेज बी रिटन ऑफ थ्रू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, है ना। विल ऑलवेज का मतलब हो गया ब्रैकेट में वेदर, WHETH वेदर, मेंशन इन क्वेश्चन और नोट। क्वेश्चन बोले तो भी मेरे बच्चे, ना बोले तो भी, हम इसको राइट ऑफ करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो इस नोट के चलते आप इस दो नाम को हटाइए। जब इस दो नाम को हटाएंगे तो देखो, इनकी वैल्यू को हमें कम करना है तो क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि एक सी एंट्री आप यहाँ पे पास करेंगे, और उस एंट्री में एक तो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस उसको हटाएंगे, और एक नाम बैलेंस शीट में क्या दिख रहा था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। ऐसे कोई भी नाम अगर होगा उनको हटा दीजिए, और ये सारा हटाना घटाना किसके थ्रू होगा जी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो आप लिखो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। पर बच्चे हम तो कह रहे हैं कि जो बढ़ गया बढ़ा दो, जो घट गया घटा दो, और उससे जो घाटे फायदे हो रहे हैं, दोज घाटा फायदा विल ऑलवेज ट्रांसफर टू कहाँ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। मान लो कोई बाहर वाला इंसान जिसको अकाउंट्स नहीं आता, वो आपसे पूछ दे कि अरे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या है। आप उनको समझाना कि यहाँ एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, हमने एक डमी अकाउंट खोला हुआ है जहाँ पे हम हिसाब कर रहे हैं हमें क्या घाटा क्या फायदा हो रहा है अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, क्या घाटा क्या फायदा हो रहा है। और कोई पूछता है कि यार हमने तो 11वीं 12वीं क्लास पढ़ाई किया है, हम सीएमए नहीं है, लेकिन बताओ इसका मीनिंग क्या होता है। तो उनको समझाना, याद करो बचपन में जब आप 12th क्लास में थे, या फिर सीएमए फाउंडेशन में या इंटर में आपने जब पार्टनरशिप पढ़ा था, तो पार्टनरशिप में मेरे बच्चे हम एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करते थे, और उसके घाटे फायदे को हम एक डमी अकाउंट में ट्रांसफर करते थे जिसका नाम था रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वहां पे हम छोटे बच्चे थे, आज हम बड़े बच्चे हो चुके हैं, वहां पे किसी फर्म को हम आपका रिकंस्ट्रक्ट करते थे, यहां पे रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यहां पे क्या है कि वो रिवॉल्यूशन अकाउंट जहां पे हम घाटे फायदे रिकॉर्ड करते थे उसके जगह पे यहां पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है। फिर वो बच्चा आपसे पूछ लेगा तो क्या मैं इसको मान लूं कि ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का है, दूसरा नाम है, बोलना कि ना बदमाश वो तो बचपन की बातें थी, आज हम बड़े हो चुके हैं, आज हम डिग्री क्वालिफाई कर चुके हैं, हम बड़ी बड़ी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे अलग प्रोसेस है, अलग चीजें हैं,
अभी शुरुआती दौर की बातें हैं, बातें बहुत दूर तक जाएंगी, बहुत सारी बातें होनी है, थोड़ा साथ दो ना मुझे, थोड़ा समय तो दो मेरे साथ, थोड़ा सा आगे तो बढ़ो। तो ये तीन एंट्री हमने पास किया। ये दो एंट्री क्यों बनाओ? क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट नंबर वन मेंशन था, ये एंट्री करना पड़ा ओनली बिकॉज ऑफ दिस नोट कि हमेशा आपको करना ही करना है, ठीक है ना। चलिए, खैर हम सीएमए ने क्या किया मेरे बच्चे, इनके कंपनी के सारे सेट्स को ट्रूली वैल्यू कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमने निकाला उसके मुताबिक इनकी वैल्यू 1340 हो चुका है। अब देखो वो सीएमए क्या किया होगा जो आपको बता रहा है और आपको सिर्फ एंट्री पास करना है। उसने दूसरे प्रोसेस में उसका टारगेट रहा होगा कि इनका जो यहां पे आपका 1850 का दिख रहा ना बच्चे कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसको कम करके इस पे लेकर आए, उसका ये टारगेट रहा होगा। और इसके साथ 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 ये जो रेट हाई दिख रहा ना, अगर इनसे नेगोशिएट करेगा ये रेट कुछ कम करेंगे तो वो भी आपका करना होगा। अब देखो उसने क्या किया, पहले उस सीएमए ने इनके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को देखा। यहां पर एक नाम दिखाई दिया, रिजर्व, जनरल रिजर्व। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने कंपनी को प्रॉपर तरीके से रिवैल्यू करने के टाइम पे कोई अगर रिजर्व है, कोई रिजर्व किसी तरीके का, तो हम उसको यूज करते हैं पहले बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए। ये रिजर्व किसका होता है? इक्विटी वालों का, आपको पता है कि कंपनी के मालिक का। हम इक्विटी वालों को बोलते हैं कि भैया अब रिजर्व आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, रिजर्व को हटाना पड़ेगा, ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से इसको बैलेंस करना है और उसमें पहले कुर्बानी तो आपको ही देनी पड़ेगी, आपको ही देनी पड़ेगी। तो हमने क्या क्या बोला कि रिजर्व को हटा देता हूं, आपको चिंता नहीं करना, कौन सा रिजर्व हटाया जाएगा और कितने से हटाया जाएगा ये सब क्वेश्चन आपको बताएगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये कह रहा है क्वेश्चन आपका पॉइंट वन हुआ था ना, अब पॉइंट टू लिखिए। आप यहां पे इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहां दे देता हूं ताकि मुझे बैलेंस शीट बार बार दिखे यहां पे, ठीक है ना। तो मैं यहां पॉइंट नंबर टू देता हूं, पॉइंट नंबर टू रिपीट कर रहा हूं, आप इस एंट्री के बाद लिखेंगे, मैं यहां लिखता हूं। कहता है कि जनरल रिजर्व वाज यूटिलाइज्ड। ये कहता है कि यूटिलाइज्ड हो गया, मतलब इसको हमने क्या किया जी, यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया? नो डाउट क्यों, घाटे फायदे को बराबर करने के लिए। तो मेरे बच्चे जो रिजर्व हमारे पास था 150 का, इसको हटाना होगा। जब हटाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा? डेबिट, क्योंकि इधर का कुछ भी कम होना डेबिट होता है। तो एंट्री लिखिए ये जनरल रिजर्व अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा, अकाउंट डेबिटेड। एंड टू, ये घाटे फायदे कहाँ? वही रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, जहाँ पे हम लोग सारे घाटे फायदे को इकट्ठा कर रहे हैं, वो वहाँ चला जाएगा। बताओ ये रिजर्व कितने से कम हो गया? 1,50,000। आएगा अभी आगे क्वेश्चन जहाँ पे हम इक्विटी वालों को बोलेंगे भैया रिजर्व यूज करना है, वो कहेंगे कि पूरा 150 नहीं, सिर्फ 1,00,000 रुपीज़ आप यूज कर लो, बाकी छोड़ दो बैलेंस शीट में। तो ठीक है, फिर एंट्री 1,00,000 से कर लेंगे। वो क्वेश्चन बताएगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ही नोट आपको दिया है, वो नोट क्या कि जो लॉसेज होंगे या फिर फिक्टिशियस इफेक्ट्स, इनके बारे में बोले चाहे ना बोले, आपको हमेशा उनको राइट ऑफ करना है और बाकी के बारे में हमेशा वो आपको बताएगा, आपको चिंता नहीं करना, ठीक है ना। तो रिजर्व को हमने क्या किया? 150 यूज किया। सुनो ना, ये जो मेरे बच्चे आपका यहाँ पे अमाउंट था 1850 का, मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन दिमाग से क्रिएट कर रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। 1850 हमें इसको कितने पे लेके आना है? 1340। तो 1850 में रिजर्व जो आपका 150 से कम हो गया, तो जरा बताओ ये साइड कितना रह गया आपका? 1,700,000। लेकिन मेरे बच्चे अभी बहुत दूर जाना है, हमें 1340 पे पहुंचना है। वो सीएमए यानी कि आप कल को पता है क्या करेंगे, क्या किए होंगे एक्चुअली? अब आपने क्या किया होगा जी, आपने यहाँ पे बैंक लोन वालों को बुलाया होगा। मैं बता रहा हूं कि वो कम्युनिकेशन स्किल, वो स्किल जो आपको चाहिए किसी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो क्या स्किल चाहिए? जबरदस्त नेगोशिएशन, ऐसा नेगोशिएशन कि आप इनको रुला दो मेरे बच्चे। अगर आपने रुला के इनके हाथ से कुछ पैसे निकलवा लिए ना, कुछ माफी करा दिए, तो आपको कहा जाएगा जबरदस्त सीएमए हो। और एक बार आपकी ब्रांडिंग बन गई ना कंसल्टेंसी फर्म के रूप में कि यार ये तो गजब का सीएमए, ये तो जबरदस्त मेरा कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, तो लाइन लग जाएगी मेरे बच्चे आपकी कंपनी के पीछे कि मेरा भी रिकंस्ट्रक्शन करो, मेरा भी करो, क्योंकि हजारों लाखों कंपनी हमारे देश में ऐसे हैं। और ये आपके ऊपर में यूं पैसा फेंकेंगे, ये लो पैसा, मेरे कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करो, पैसा फेंकेंगे आपके मुंह पे, पता नहीं कहां कहां पैसे लगेंगे। लेकिन बिलीव कीजिए, वो चोट भी जो पैसे की लगेगी, आप उसको इंजॉय करोगे, क्योंकि पैसा ही पैसा है। सुनो आपने क्या किया, मैं आपको अब कला बताता हूं। आपने पहले बैंक लोन वाले को पकड़ा,
बैंक लोन वाले को, मैं कुछ पेपर अपने पास निकालना चाहता हूँ, मेरे पास पेपर कहीं दिख नहीं रहा है, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देना तो मैं एक मिनट में पेपर लेकर आता हूँ, पेपर, क्योंकि बिना पेपर के ये समझाना मुश्किल है, ये समझाना मुश्किल है। मैं एक सेकंड में, मैं वीडियो को बंद भी नहीं करूँगा, बस मुझे समय दो कुछ पेपर लेकर आने के लिए। मेघा ब्लैंक शीट देना प्लीज, एक दो। मैं आपको बताता हूँ अभी, आपको मैं आपको बताता हूँ वो गेम जो आप इनके साथ खेलोगे, और हर एक गेम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा ये अमृत को मुझे पिलेन दो, क्योंकि बहुत बड़ा गेम खेलने वाला हूँ अभी। दे दो, ये काफ़ी है। चलिए अब देखो आप यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। ये छोड़ो, आपको नहीं समझ में आएगा क्या किया मैंने, छोड़ दो आप इसको, मैंने हटा दिया। मैं कुछ और भी निकालना चाहता हूँ, ये भी मैंने निकाल दिया, ये भी क्या, छोड़ो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, इस बैंक लोन वाले को बुलाया, मतलब जिस बैंक ने इस कंपनी को लोन दिया है ना, ये हम सीएमए हैं, ये हम सीएमए हैं, और ये वो हमारा ऑफिस है जिस ऑफिस में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारा हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप बैठो, ये आपका टेबल है, ठीक है ना। और बैंक लोन वाले को आपने फ़ोन किया कि बैंक लोन वाले भैया, बैंक लोन वाले भैया आओ, थोड़ा आपसे हमें बात करनी है, कुछ अच्छी अच्छी बातें करनी है। तो बैंक लोन वाला तो दौड़ के आपके पास आ जाता है, सोचता है कि खूब सारे आपसे कर्ज लेंगे और ये भी हमारे चुंगल में फंस जाएंगे। तो वो क्या हुआ मेरे बच्चे, वो बैंक लोन वाला आपके पास आया, और आकर क्या हुआ कि उस बैंक लोन वाला यहाँ पे बैठ गया आपके ठीक सामने। आपने कहा कि पापी आ गए, वो हैरान हो गया कि पापी मुझे क्यों कह रहा आते ही आते। तो उसने पूछा कि आप मुझे पापी क्यों कह रहे हो, आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, फिर भी पापी। उसने कहा कि आप पापी ही तो हो। अरे ये क्या किया आपने, ये कहा क्या आपने इस कंपनी को, ये जो एक्स लिमिटेड है, आपने 16% के रेट से लोन दिया, 16% इतना हाई। आपने बताया कि एक और भी कंपनी मार्केट में है, सीओसी एजुकेशन एक कंपनी, मुझे पता चला कि आपने उस कंपनी को लोन जो दिया था वो 12% के हिसाब से दिया था, और इस कंपनी को 16%, ये तो गलत है ना। और आपकी गलती के चलते ये बेचारी कंपनी क्या हो रही है कि बर्बाद हो रही है, आज उस कगार पे आ गई कि कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद हो गई, इसमें जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर सब बर्बाद हो गए, उनके मम्मी जो बच्चे हैं, बीबी, ये सब रोड पे आ जाएंगे। और फिर जरा बताओ कि क्या आपके ऊपर पाप नहीं पड़ेगा जब इतने सारे लोग रोड पे आके रोएंगे, बिखलेंगे और खाना बिना खाए मर जाएंगे, बताओ ऐसा नहीं होगा। ये बात तो उसको समझ में आ गई, बैंक लोन वाला कि यार ये तो ठीक बोल रहे हो, मैंने इनको 12% दिया था, लेकिन इनका जो रेट था मैंने 16 दिया था, और ये कंपनी बर्बाद, अब हम क्या करें बताओ। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि ये जो आदमी है आपकी बातों से कन्विंस हो गया। आपने उसको बोला कि देखो आओ हम दोनों मिलकर कंपनी को बचाते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी कोशिश करो। पूछा बैंक वाले ने क्या कोशिश करूँ, तो हमने कहा कि देखो आपने एक जो लोन दिया है ना, वो लोन आपका क्या था जी, वो 16% बैंक लोन था, 16% बैंक लोन है ना। और वो 16% बैंक लोन कितने का था आपका, 2,50,000 का। ये देखो वो एग्रीमेंट है, ये देखो वो एग्रीमेंट है जिसपे कि 16% बैंक लोन लिखा हुआ है, और ये लोन आपने 250 का दिया था। बैंक वाले ने बोला कि हाँ मुझे पता है, ये मेरा ही पेपर है, बताओ करना क्या है। हमने कहा कि देखो एक काम करो, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो 16% है ना, 16% इसको कम करके आप बस उतना ही दे दो, कर दो जितने पर आपने बाकी कंपनी को आपने दिया हुआ है, जितने पे बाकी कंपनी को दिया हुआ है। तो बैंक वाला कहता है कि ठीक है जी, मैं एग्री करता हूँ, मैं जो अपना लोन है उस लोन पे इंटरेस्ट को 16% से कम करके 12% पे लाने को तैयार हूँ। आप सोच रहे हो ऐसा वो क्यों करेगा, अरे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक लोन वाले को एक और भी कहानी आपने बताया कि देखो जी अगर आप ऐसा नहीं करते हो और कंपनी अगर बंद हो जाती है, तो कंपनी के बंद होने के बाद जो एसेट्स आज 1340 के दिख रहे हैं ना, इतने के भी नहीं होंगे। ये तो 1340 तब ना जब मैं यूज करूंगा, अगर मान लो आज इनको मैं मार्केट में बेचने गया तो 6-7 लाख रुपए में बिकेंगे, और 6-7 लाख में इतने लोगों का पेमेंट करना, पेमेंट कहां से होगा। आज तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि रेट कम कर दो, ये अमाउंट भी मिलने के आपके लाले पड़ जाएंगे। तो मेरे बच्चे नो डाउट कि आप जब किसी आदमी को इतने अच्छी तरीके से कन्विंस कर लेंगे तो वो कन्विंस होगा ही होगा, क्योंकि दूसरा उसके पास कोई उपाय नहीं है। और आप भी जानते हैं कि मरते हुए आदमी को सभी बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी हो, ताकि थोड़ा चलो थोड़ा हमारा लॉस हो बट वो आदमी बच जाए, ये होता है ना आपका, ऐसा हमेशा करते हैं। तो मेरे बच्चे
अब एग्जाम में तो ये तो नहीं बोलेगा कि आपने बैंक लोन वाले को बुलाया, फिर आपने पापी बोला, फिर उसने नेगोशिएट किया, ऐसा नहीं बोलेगा। एग्जाम में क्या बोलेगा मैं वो बताता हूँ। एग्जाम में कहेगा, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, एग्जाम में क्या बोलेगा, तो हमारे कितने पॉइंट है, पॉइंट नंबर टू ना लिखेंगे, पॉइंट नंबर थ्री लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट नंबर थ्री लिखेंगे। कहता है कि 16% लिखिए यहाँ पे, 16% बैंक लोन कन्वर्टेड इनटू 12% बैंक लोन। वो क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना कहेगा कि भैया इनके साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि जो 16% बैंक लोन था, उस लोन को हमने क्या किया, 12% में कन्वर्ट कर दिया। आपको बोलेगा कि आप इसकी एंट्री पास करो, आपको कहेगा कि एंट्री पास करो। आइए मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिविडेंड, कुछ भी, ये जो परसेंटेज है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर एग्जाम में क्या करता है, इन परसेंटेज को चेंज करने की बात करता है, कोई भी परसेंटेज हो, तो आपको यही एज्यूम करना है अपने दिमाग में, कि ये जो पुराना लोन एग्रीमेंट है ना, जिसमें 16% लिखा हुआ है, इस लोन एग्रीमेंट को मेरे बच्चे फाड़ के फेंक दिया गया, ये लोन एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दिया गया और नया एग्रीमेंट बैंक वालों से बना है, जिस एग्रीमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ है, 12% बैंक लोन, कितने का जी आपका, तो सेम अमाउंट, यानी कि 2,50,000, यानी कि पुराने लोन एग्रीमेंट को फाड़ के फेंकना होगा, नया लोन एग्रीमेंट बनाना होगा और आपको इसी की एंट्री पास करनी होगी। देखिए आपकी एंट्री क्या बनेगी, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, यहां पे आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। ये देखो आप, सुनो ना, देखो ना, यहां पे ये जो 16% बैंक लोन है मेरे बच्चे, ये पूरा का पूरा आपने हटा दिया, सबको, पूरे एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया, ये खत्म हो गया आपका, ये खत्म हो गया। तो आप 16% बैंक लोन को क्या करो, डिक्रीज करो, यानी कि डेबिट करो, तो आपकी जो एंट्री बन जाएगी, वो एंट्री क्या बन गया यहां पे, 16% बैंक लोन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। बताइए कितने से, पूरे 250 का लोन आपका हट गया। इसके जगह पे मेरे बच्चे नया एग्रीमेंट आपने क्रिएट किया है, नया लोन क्रिएट किया है। ये नया लोन जो आपने क्रिएट किया, तो लायबिलिटी लोन की बढ़ेगी, क्रिएट करना होगा। बताओ इस लोन का नाम क्या है, इसका नाम है 12% बैंक लोन, 12% बैंक लोन, इसका नाम क्या है, 12% बैंक लोन। और ये नया लोन भी कितने का है, 2,50,000 का, 2,50,000 का। ध्यान दीजिए, पुराने लोन को हटा के नया लोन हम लेकर आ गए, पुराना लोन खत्म, नया लोन आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे बच्चे आपने पुराने को हटाया, नया इशू किया, लेकिन इस एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन का नाम नहीं आएगा। सर क्यों नाम नहीं आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे लोन पहले भी 250 का था, अभी भी 250 का है। अरे जो बैलेंस शीट के अंदर में ये अमाउंट दिख रहा है ना, ये जो अमाउंट, अगर इन अमाउंट में कोई चेंजेस आएंगे तब नाम आएगा रिकंस्ट्रक्शन का। मतलब आज जो फायदा घाटा होगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। मानता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका कम हुआ, इससे आपको फायदा हुआ, लेकिन वो फायदा मेरे बच्चे आज नहीं होगा, वो तब होगा जब इंटरेस्ट पे किया जाएगा। समझो मेरी बात ना। और रिकंस्ट्रक्शन में हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, जो आज हमें घाटे फायदे हो रहे हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि विल पास द एंट्री फॉर कन्वर्टिंग 16% बैंक लोन इनटू 12% बैंक लोन, बट देर विल बी नो एनी नेम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बिकॉज देर इज नो सडन ऑन स्पॉट गेन और लॉस। आपका कोई आज के टाइम पे गेन लॉस नहीं हुआ तो एंट्री बनेगा, बट नहीं। सर फिर आगे थोड़ा और दिमाग में सवाल आ गया, अभी रुको ना बदमाश, रुको तो मुझे बताओ कि ये जो आपका एंट्री हुआ, इसमें कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा सर। आज भी अभी यहाँ साइड कितना दिख रहा है, 17, पहुँचना कहाँ है, 13-14। कोई बात नहीं, मैं फोर्थ एंट्री पे आपको लेकर आता हूँ, फोर्थ एंट्री पे। और फिर उस CMA ने क्या किया बच्चे, अब इस डिवेंचर्स वाले को पकड़ा, डिवेंचर्स वालों को फिर से मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा ऑफिस था, मतलब आपका ऑफिस है, यहाँ पे वो टेबल है, यहाँ पे आप CMA बैठे हो, यहाँ पे आपने क्या किया, डिवेंचर्स वालों को बुलाया, और आपने बोला कि डिवेंचर भैया आओ, आपसे कुछ गुफ्तगु, कुछ बातें करनी है। डिवेंचर वाले आए, सोचे कि चाय कॉफ़ी पिलाएंगे, और जैसे ही वो आके यहाँ पे बैठे, आपकी गंदी नज़र, वो गंदी वाली नज़र जो है ना, उससे आपने इनको देखना शुरू कर दिया।
डिवेंचर वाले ने बोला कि यार क्यों ऐसे देख रहे हो, घूर घूर के देख रहे हो, क्या गलत काम किया हमने, आपने चाय कॉफी भी बुलाया था, आपने कहा कि कैसा चाय कॉफी पिलाऊं तुम्हें, खून का चाय कॉफी पिलाऊं, वो जो रोड पे बैठे हुए उनका खून वाला चाय कॉफी, फिर वही कहानी जो पिछले बैंक लोन को बताया था उसने इनको बताया। आप बिलीव कीजिए जितने डिवेंचर होल्डर थे वो रोने लगे, बच्चे रोने लगे, उन्होंने कहा बताओ बताओ इस कंपनी को मैं कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं। तो आपने आपने कहा उसको, आपने कहा कि देखो जी ये जो 18% रेट है ना, 18% इसको कम करो और कम करके इसको 11% पर लेके आ जाओ। वो कहते डन 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 किया हमने, किया किया कर दिया हमने, कर दो आप। फिर आपने कहा कि अभी डन नहीं, अभी डन 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 नहीं करना है, आगे की जो बातें सुन लो। उन्होंने बोला बोलो क्या कहना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आपने कहा कि देखो जी ये जो डिवेंचर्स का जो लाइबिलिटी 4 लैक्स का है ना, 4 लाख रुपीज का, इसको भी क्या करो आप यहाँ पे 1,80,000 से कम कर दो, 180 से कम कर दो, 180 से, मतलब कि जो लाइबिलिटी 4 लैक्स की है उसमें 120 का इस कंपनी को माफी दे दो, क्योंकि कंपनी को बचाना है, और 220 का जो कर्ज होगा वही आपका रहने दो अपना, मतलब कि आगे इस कंपनी से सिर्फ 220 डिमांड करना। डिवेंचर सोलो ने कहा कि डन 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 डन। पर बच्चे जो कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे बैठा के आपने उनको कहानी सुनाया, गलत नज़रों से देखा, ये एक्चुअली नहीं होता है, ये नेगोशिएशन होता है। उनको ये विश्वास दिलाना होता है कि अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो कंपनी आज बंद हो जाएगी, बंद होने के बाद आपका ये भी पैसा, इसमें एक भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी कंपनी के पास बचना नहीं है। इसलिए चलो कंपनी को बचा लेते हैं, कल को कंपनी रिवाइव हो गई तो आपको इंटरेस्ट तो मिलते जा रहा है यार, थोड़ा सा कर्ज ही तो कम कर रहे हो, कोई बात नहीं। और वो कितना कर्ज कम करेंगे वो डिपेंड करता है रियल लाइफ में कितना नेगोशिएशन होता है। मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, उसके मुताबिक बातें कर रहा हूँ। खैर आइए, यहाँ पे जो डिवेंचर होल्डर थे मेरे बच्चे, उनके साथ दो बातें हुई। ये देखिए आप, पुराना डिवेंचर का नाम क्या लिखा हुआ था, 18% डिवेंचर, ये रहा आपका पुराना डिवेंचर जो है 18% डिवेंचर है, ये पेन ही बदमाश है, 18% आपका डिवेंचर है, 18% डिवेंचर, और कितने का था वो 4 लाख रुपीज का अमाउंट का था, 4 लाख रुपीज का, ये रहा वो डिवेंचर जो पहले से आपके पास था, 18% डिवेंचर 4 लाख का। क्या यहाँ भी डिवेंचर वालों से आपने रेट चेंज कर दिया? ये सर यहाँ भी रेट चेंज हो गया। जब जब रेट चेंज होगा तो इसका मतलब क्या मेरे बच्चे, ये जो पुराना एग्रीमेंट है हम इसको फाड़ के फेंक देंगे और इसके जगह पे नया एग्रीमेंट तैयार होगा जब भी रेट चेंज होगा। तो हमने क्या किया, जो 18% डिवेंचर था अब नया डिवेंचर क्या हो गया, 11% डिवेंचर हो गया। ये रेट क्या होगा वो क्वेश्चन में बताएगा, 11%। एंड अगर हमें 180 की माफ़ी मिल गई तो ये नया डिवेंचर कितने का रहेगा, 2,20,000 का, 220 का आपका यही रहेगा ना आपका, ये सर तो 220 का आपका हो जाएगा। तो मेरे बच्चे हमें क्या करना है, इसकी एंट्री पास करनी है, बट एंट्री पास करने के पहले एग्जाम में क्वेश्चन इसको कैसे बोलेगा पहले मैं आपको वो बता दूँ। तो लिखिए मेरे साथ यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। मैं बिल्कुल एक टिपिकल कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहता है कि 18% डिवेंचर्स वेयर कन्वर्टेड इनटू क्या जी, 11% लिखा था ना, कुछ भी हो सकता है, लिखिए 11% डिवेंचर्स, 11% डिवेंचर्स, ठीक है, एंड देयर क्लेम वाज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय रुपीज, कितना बोला था हमने, 1,80,000। ये अमाउंट कितना होगा आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्वेश्चन बताएगा, मैं तो एक डमी क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए इसके साथ दिखा रहा हूँ। अब देखो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, मैं दूसरे पेन से दिखाऊँ मुझे अच्छा लगेगा, इसे लिखिएगा, इससे देता हूँ मैं, इसकी एंट्री सुनिए क्या होगा। मेरे बच्चे यहाँ पर भी क्या हुआ कि आपका जो 18% डिवेंचर था उस 18% को हमने फाड़ के फेंक दिया। तो आपको एक काम करना होगा, बैलेंस शीट में 18% डिवेंचर जितने से है सबको हटाना पड़ेगा। ये लीजिए 18% डिवेंचर्स अकाउंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना, आपको हटाना पड़ेगा। और इसके जगह पे मेरे बच्चे नया डिवेंचर्स जो आपने इशू किया उसका नाम क्या है, 11% डिवेंचर, है ना, एक लायबिलिटी कम हो गई उसको डेबिट कर दिया, दूसरी नई लायबिलिटी आ गई उसको हमने बढ़ा दिया। जरा बताओ ये 18% डिवेंचर कितने का था बैलेंस शीट में, 4 लाख रुपीज का, 4 लाख रुपीज। इसका
नया डिवेंचर्स कितने का हो गया? 2,20,000 का, 2,20,000 का। तो आपको फायदा यहाँ पे कितना हो गया? 180। ऑन स्पॉट फायदा 180 हुआ ना, क्योंकि 4 लाख का जो बैलेंस शीट में आपका कर्ज था मेरे बच्चे, अब वो कर्ज कम होकर 220 रह जाएगा। तो 180 का फायदा हुआ। मुझे बताइए 180 का फायदा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। समझ लो मेरी बात ना यहाँ पे। तो टू रिकंस्ट्रक्शन में हमने ट्रांसफर कर दिया। इट्स वेरी सिंपल टू पास द एंट्री वंस यू नो द एक्चुअल कॉन्सेप्ट की व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कैसे एग्रीमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं इसके अंदर में है। तो प्लीज कॉपी कीजिए। और इससे क्या हुआ मेरे बच्चे, ये जो आपका यहाँ पे 17 लाख यहाँ पे आया था, वो फिर से आपका 180 से कम हो गया। तो अब इसकी वैल्यू कितना रह गया? 15,20,000। 15,20। अभी हमें बहुत दूर जाना है, हमें 1340 पे पहुंचना है। तो जरा बताओ 1520 पे पहुंचे हैं, 1340 पे पहुंचना है। तो अभी कितना? 180 से हमें और माफ़ी लेना होगा, जिसमें बहुत लोग अभी हैं, हम उनसे नेगोशिएट करेंगे, देखते हैं किसे कितनी माफ़ी मिलती है, है ना। हमें 180 का भी चाहिए अमाउंट आपका, ठीक है। सुनो मेरी बात, हमने दोस्त से काम कर लिया, अब हमने क्या किया? क्रिएटर्स को पकड़ा और बोला क्रिएटर्स भैया आप भी अपना कुछ क्लेम कम कर दो ना। क्रिएटर्स ने बोला कि बोलो मैं भी कम करने को तैयार हूं, कितने से कम करना होगा? तो क्रिएटर्स को हमने कहा कि आप एक काम करो, 80,000 से आप अपने क्लेम को कम कर दो, 80,000 से। वो बोलते कि ठीक है, डन डन रहा। तो मेरे बच्चे उसको क्वेश्चन कैसे बोलेगा मैं आपको बताऊं। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे आप यहां पे, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, पांचवा पॉइंट, क्रेडिटर्स ऑल्सो agreed to reduce their claim by rupees 80,000। कहता कि creators जो है वो भी अपने claim को 80,000 से कम करने को तैयार हो गए। आप मुझे बताओ इस बैलेंस शीट में देख के, क्या क्रिएटर्स यहाँ पे कोई कागज है क्या? ये लोग हैं सर, लोग हैं, इनको तो फाड़ नहीं सकता ना बच्चे। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाड़ द क्रिएटर्स आपका। बोलो ना, गलत बोल रहा हूँ आपको? नहीं सर। तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। क्रिएटर्स की जो लाइबिलिटी 3 लाख से थी, वो 80,000 से कम हो गई। और लाइबिलिटी कम होना क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अरे कागज को फाड़ सकता हूँ, क्रिएटर्स को थोड़े फाड़ सकता हूँ। तो क्रिएटर्स को क्या करो, बस 80,000 से कम करने की एंट्री कर दो। क्रिएटर्स कम होना डेबिट हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्रिएटर्स अकाउंट डेबिटेड। और ये फायदा कहाँ चला जाएगा? टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में। जो भी हमें अमाउंट में आज फायदा मिल गया, वो सब कहाँ जाएंगे? रिकन्स्ट्रक्शन में। कितने से एंट्री आपका हो गया? 80,000। इट्स वेरी सिंपल, ये चैप्टर बहुत सिंपल है ना, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। तो हमने ये भी काम पूरा किया। फिफ्थ एंट्री मेरे बच्चे क्रिएटर्स का जो था वो आपका हो गया। और हमें पता चला कि ये जो आपका 1520 था, उसमें हमने 80 से कम कर दिया, तो ये कितना रह गया आपका यहाँ पे? ये रह गया 14,40,000, इतने पे पहुँच गया आपका। एक बात बताओ, दुनिया में जितने सारे लोग हैं, सभी के दिल एक जैसे होते हैं क्या? क्या सभी इतने सॉफ्ट होते हैं कि हाँ माफ़ कर देंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होता। आपको पता है कई सारे लाइफ में आपको खुंदक भी मिले होंगे इंसान, कुछ लोग, कुछ तो आप में से ही कई सारे होंगे बोलते कि भैया हम नहीं क्लेम माफ़ करेंगे, हम नहीं माफ़ करेंगे, मिलेगा तो पूरा पैसा, डूबेगा तो कोई बात नहीं, बट हम नहीं माफ़ करने वाले। मिलते हैं कई सारे लोग, और वैसे ही आप में से जो ऐसा हो है, उसी के जैसा यहाँ पे बिल्स पेबल है। ये बिल्स पेबल वालों को भी सीएमए ने कहा कि भैया कुछ कम कर दो। बिल्स पेबल कहते हैं कि भैया हम नहीं कम करेंगे, मिलेगा तो पूरा पैसा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, हम नहीं कम करने वाले। वो कहेगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कहता है सिक्स पॉइंट में, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे सिक्स पॉइंट में बिल्स पेबल अग्रीड टू कंटिन्यू their liability at existing value। मतलब कि जो उनकी existing value, कहते हैं कि हम उसी पे continue करेंगे, हम नहीं माफी देने वाले। अब खुद सोचो आप कि अगर bills people कहते हैं कि भैया हम तो कंटिन्यू करेंगे एट द एग्जिस्टिंग टर्म, मतलब जो है वैसे ही रहेंगे, हम नहीं माफी देने वाले। तो सोचो ना मेरे बच्चे, सोचो ना, ये जो बैलेंस शीट में बिल्स पेबल आपका 250 का है, ये आगे बिल्स पेबल 250 का ही रहेगा।
सेम, तो जब कोई नाम में चेंज नहीं, वैल्यू में चेंज नहीं, तो फिर क्यों एंट्री पास करेंगे? अगर एग्जाम में ऐसा दे दे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा इसके अंदर में 6 पॉइंट में नो एंट्री, ये लिखना जरूर। अगर आपने नो एंट्री नहीं लिखा तो शायद एग्जामिनर को लगे कि इस बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, वो मार्क्स काट ले। तो आपको जब भी ऐसा बोले कि जो लायबिलिटी है वो दे आर कंटिन्यूइंग एट द एग्जिस्टिंग टर्म, मतलब कि दे आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, तो विल से नो एंट्री, नो एंट्री, बस इतना लिख देना, कुछ भी रीजन नहीं बताना। और आपको अपने दिमाग में इसके बारे में पता होना चाहिए क्यों नो एंट्री हुआ। इसलिए नो एंट्री हुआ क्योंकि मेरे बच्चे पहले भी बिल्स पेबल थे, आज भी बिल्स पेबल रहेंगे। पहले भी आपका 250 था कर्ज, अभी भी 250 रहेगा आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो जब कोई नाम में चेंज नहीं हुआ, अमाउंट में चेंज नहीं हुआ, तो फिर काहे की एंट्री? अरे एंट्री हम तब पास करते हैं या तो नाम में चेंज हो, जैसे कि डिवेंचर बैंक लोन का नाम में चेंज हुआ था, या फिर अमाउंट में चेंज हो जैसे कि क्रेडिटर्स में हुआ था, या फिर दोनों में चेंज हो जाए जैसे कि डिवेंचर में हुआ था, रेट भी चेंज हुआ था, अमाउंट भी चेंज हुआ था। अगर कुछ चेंज है तो हम क्यों एंट्री पास करेंगे? समझ गए मेरी बात ना? ये सर, तो खैर अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, आपका यहाँ पे कहाँ पहुँच गए थे, 1440। और मेरे बच्चे अभी हमारे पास दो लोग हैं जिनके साथ हम नेगोशिएट कर सकते हैं, एक इक्विटी वाले और एक प्रेफरेंस वाले। हम दोनों के साथ नेगोशिएट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इक्विटी वालों का नंबर कितना, 3 लाख का मतलब क्या हो गया जी, ये आपके 30,000 शेयर्स हैं। मैं लिख देता हूँ, आप भी क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। 30,000 इंटू आपका क्या है 10, यहाँ पे 10, और ये क्या है जी, ये 20,000 शेयर्स हैं, 20,000 इंटू आपका 10 यहाँ पे है ना, तभी तो 2 लाख बनेगा, तो आपका ये निकल के आ गया, ठीक है ना। और हमें कितने के क्लेम अभी माफ़ी कराना है आपका, 1 लाख का, क्योंकि अगर 1440 में अगर 1 लाख माइनस हो जाए और भी लाइबिलिटी हमारी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1340 जो इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 लाख रुपीज कम कराने, 1 लाख रुपीज कम, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 लाख रुपीज कम कराने। पता है एग्जाम में क्या होता है, ये जो आपका इक्विटी शेयर है चाहे प्रेफरेंस शेयर है, इन पे जो एग्जाम में इनके साथ एग्रीमेंट होता है ना बच्चे, वो उन एग्रीमेंट को दो तरीके के लैंग्वेज में वो इंटरप्रेट करता है, दो तरीके के लैंग्वेज देता है। वो दो तरीके का क्या लैंग्वेज होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर उसको इंटरप्रेट भी करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब उसको ना मैं यहीं दिखा दूँ, यहीं पे दिखा दूँ, ताकि मुझे बार बार ना पेज ना चेंज करना पड़े, है ना। ये तो आपने कर लिया होगा, मैं यहाँ पे मिटा के, क्योंकि मेरा पर्पस पूरा हो चुका है और मैं बाकी एंट्रीज यहीं पे दिखा रहा हूँ जो क्वेश्चन बोलेगा अब आपका। आई जरा आप लिखिए मेरे साथ कितने हमारे पॉइंट्स हो चुके थे, 7th ना, तो आप तो इसके नीचे लिखिए, मैं यहीं पर देता हूँ 8th पॉइंट आपका, मैं यहाँ पर देता हूँ 8th पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, 8th पॉइंट आपका, 8th पॉइंट, 8th पॉइंट कहता है, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर साथ साथ लिखेंगे आप, रिड्यूस्ड बाय रुपीज टू पर शेयर आपका, ठीक है ना, ये एक आपका है। और इसके बाद ना यहीं पे ब्रैकेट में आप क्या करो, आप जगह छोड़ दो, मुझे इसको एक दूसरे तरीके से बाद में लिखाना, अभी नहीं लिखाना। और फिर मेरे बच्चे आप यहाँ पे एंट्री पास करने के लिए जगह छोड़ दीजिए 4-5 लाइन, और 9th एंट्री यहाँ पे लिखेंगे, 9th आप यहाँ पे, कहता है कि पेड अप वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹2 per share। इसके बाद यहां भी ब्रैकेट में आप एक लाइन जगह छोड़ देंगे, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखाऊंगा, बट आप इन दो को लिख लीजिए। पहले मैं क्या बता रहा जी, फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय ₹2, और यहां पेड अप वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाय ₹2। आप दोनों में एक चीज देखेंगे यहां पे कि इस 8th वाले में हमने क्या चेंज किया है, फेस वैल्यू, और 9th वाले में क्या चेंज किया है मेरे बच्चे, पेड अप वैल्यू। ये दो डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के अंदर में, एक में चेंज हो रहा है फेस वैल्यू, दूसरे में पेड अप वैल्यू।
जरूरी नहीं है कि फेस वैल्यू हमेशा इक्विटी के साथ चेंज होगा। वो कह सकता है कि फेस वैल्यू प्रेफरेंस का चेंज हुआ और पेड अप वैल्यू क्या होगा जी, इक्विटी का चेंज हुआ। वो इंटरचेंज कर सकता है। आपको फेस वैल्यू के चेंज में कैसे एंट्री पास होता है और पेड अप वैल्यू में चेंज में कैसे एंट्री पास करना है, वो आपको बस मेरे साथ समझना है, ठीक है ना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा। पहले फेस वैल्यू के चेंज की बात करता हूँ, फेस वैल्यू के। ये देखो आप यहाँ पे मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा देखो ये मेरे पास एक यहाँ पे क्या है जी, ये इस कंपनी का शेयर है और ये जो शेयर है ना बच्चे, इसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, ये कागज जो है ना शेयर, ये कागज ही फेस वैल्यू होता है एक्चुअली। और इस कागज की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। आपका एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, फेस वैल्यू का मतलब कि इस शेयर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज आपका, ठीक है ना। अब देखो हमें क्योंकि यहाँ पे अभी 1 लाख रुपीज का माफी लेना है और दो लोग बचे हैं, तो सीएमए ने क्या किया, इन दोनों से नेगोशिएट किया। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। उस सीएमए ने क्या किया, फ़ोन किया आपका इक्विटी वालों को, बोला कि इक्विटी वाले एक काम कीजिए, आपका जो एक शेयर की फेस वैल्यू जो आपका 10 रुपीज है ना फेस वैल्यू, आप उस फेस वैल्यू को आप 2 रुपये से कम कर दो। फेस वैल्यू को क्या करो, 2 रुपीज से कम कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, फेस वैल्यू चेंज होने का मतलब होता है कि ये जो पुराने शेयर है ना, ये पुराने शेयर जो 10 रुपीज वाले थे, इन शेयर को फाड़ के फेंक दिया जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज। और हम लोग कह रहे हैं कि अब जो आपको नया शेयर देंगे उस शेयर की वैल्यू कितनी होगी जी, 8 रुपीज होगी। 8 रुपीज होगी, 10 रुपये नहीं, 8 रुपये होगा। तो मेरे बच्चे जब भी कहता ना कि चेंज इन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में चेंज हुआ, तो पुराने शेयर्स को हम क्या करेंगे, फाड़ के फेंक देंगे, नया शेयर्स इशू करेंगे। ये शेयर आपका 10 रुपीज वाला था, ये 8 रुपीज वाला होगा और इसी के हमें एंट्री पास करनी है। कि सर कैसे एंट्री होगा, आप शायद समझ गए होंगे कि जब पुराने शेयर्स को फाड़ के फेंकूंगा तो क्या हम इनको पूरा हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो 10 रुपीज वाले शेयर उनको हटाना पड़ेगा, वहां पे हमें 8 रुपीज वाले लेकर आने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या होगा, सुनिए आप, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एंट्री क्या होगा। ये ब्रैकेट वाली जगह छोड़ के आप लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में कितने रुपए वाला, 10 रुपीज वाला, डेबिट कर दो, मतलब उनको हटा दो। उसके जगह पे नया इक्विटी शेयर कैपिटल, नए शेयर्स इशू हो रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं और ये एक नया शेयर कितने रुपए वाला है, 8 रुपीज वाला। मुझे बताओ बैलेंस शीट में जो शेयर्स कितने के थे टोटल, आपका 3 लाख रुपीज के थे ना बच्चे, तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू था आपका पहले से कितने का था, 3 लाख का, तो वो 3 लाख को हमने क्या किया, हटा दिया। ये 3 लाख कैसे बना था, ये 30,000 शेयर्स थे 10 रुपीज वाले, इनको हमने हटा दिया। इसके जगह पर मेरे बच्चे जो नए 30,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं ना, 30,000, वो कितने रुपए वाले हैं, 8 रुपीज वाले, क्योंकि हमने पुराने को फाड़ के नया शेयर दिया, इसकी एक कीमत कितने की बताई, 8 रुपीज की, तो 30 × ये कितना हो गया, 2,40,000 आपका। और फिर जो कंपनी को घाटा फायदा हुआ वो कहाँ ट्रांसफर चला जाएगा, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना जी, 60,000 के फायदे को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। कंपनी को फायदा हुआ ना बच्चे, कंपनी पे जिन इक्विटी वालों का क्लेम 3 लाख रुपीज का था, नाउ दैट क्लेम हैज बीन रिड्यूस्ड टू 240, तो कंपनी को क्या 60 का फायदा हो गया, दैट 60 का फायदा विल ट्रांसफर टू कहाँ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और फिर ये काम पूरा हो गया। जब भी चेंज फेस वैल्यू का होगा, पुराने शेयर को फाड़ेंगे, नया इशू करेंगे, घाटा फायदा कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में। बिल्कुल दिमाग को शांत करके बातें समझो तो ही बात समझ में आएगी, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। अब आइए यहाँ पे हम आते हैं इसमें, अगर प्रेफरेंस वाले क्या काम कर रहे हैं, पेड अप वैल्यू कितने से, 2 रुपीज वाले। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब ये देखो पहले मैं आपको दिखाऊं इनके बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनके बैलेंस शीट में, ये देखिए आप यहाँ पे, वो कितने रुपए वाले हैं, 10 रुपीज वाले, एंड दे आर फुली पेड अप। आपको पता है कि ना बताया तो फुली पेड अप होता है, तभी 20 × 10 बाहर में 2 लाख गया। देखो ये एक प्रेफरेंस शेयर है और इस प्रेफरेंस शेयर की अगेन वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, ठीक है ना। ये जो इक्विटी था ना बच्चे पहला वाला, उसकी भी वैल्यू कितने की थी, 10 रुपीज वाली थी, तो ये कागज 10 का था और 10 के अगेंस्ट आपने पे कितना किया था, 10 पे किया था पहले,
अगर मैं इक्विटी वालों की बात करूं तो 10 के अगेंस्ट आपने 10 पे किया था। अगर हमने कहा कि भैया ये कागज जो है उसको हटा के नया कागज लो और ये एक कागज कितने का है, 8 का है, तो ठीक है, जब कागज ही 8 है तो 8 ही पेड अप हो चुका। अब समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इक्विटी वालों की बात कर रहा हूं, जब 10 था तो 10 पेड अप था। अगर 10 वाला कागज हमने कागज ही कह दिया कि 8 का है, तो फिर क्या अब 8 आपने आपका पेड अप हो गया? ऐसा तो नहीं होता ना कि कागज आपका 8 का, उसके अगेंस्ट 10 आपने पे किया है, ये रूल तो नहीं होता। तो 8 का कागज तो 8 आपने पे किया, ये माना जाता है। एक्चुअली शेयर आज भी फुली पेड अप है, जो इक्विटी वाले थे वो फुली पेड अप है, लेकिन पहले एक शेयर 10 रुपीज का था तो आपने 10 पे किया, ये माना जाता था। अब हम ये मान रहे कि आपका शेयर जो है ना नया वाला वो 8 रुपीज का है, तो आपने 8 पे किया है, फुली पेड अप, हम आपसे दोबारा पैसा नहीं मंगाएंगे, शेयर आपके फुली पेड अप है। लेकिन नाउ कम टू प्रेफरेंस शेयर, जो केस बता रहा उसके अंदर में बच्चे, ये जो कागज है ना, ये कागज क्या है कि 10 रुपीज का है, क्योंकि इनका भी एक शेयर 10 रुपए वाला था। इस 10 के अगेंस्ट आपने पे कितना किया था पहले? 10 रुपीज। हमने पे कितना किया था? 10 पे किया था। कागज भी 10 का था, पे भी किया था 10 रुपीज। अगर क्वेश्चन कहता है कि भैया पेड अप को आप 2 रुपए से कम कर दो, अगर क्वेश्चन कहता है कि रिड्यूस द पेड अप नॉट फेस, पेड अप को 2 रुपीज से कम कर दो, बच्चे पेड अप को 2 रुपीज कम करने का मतलब ये कागज जो 10 रुपीज का था उसको फाड़ के नहीं फेंका जाएगा। दिस शेयर, दिस प्रेफरेंशियल विल रिमेन ऑफ रुपीज 10 ईच, वो 10 का ही रहेगा, जो पहले था वही अभी भी रहेगा। लेकिन जरा बताओ, यहां पे आपने इस प्रेफरेंस जो कि 10 रुपीज का है उसके अगेंस्ट आपने पे कितना किया है? 10 रुपीज पे किया है ना। आपसे कहा गया कि देखो जी, जो 10 रुपीज पे किया है ना, मान लो कि आपने 10 रुपीज नहीं, आपने सिर्फ 8 पे किया है, मान लो कि 10 नहीं, आपने पे कितना किया? 8 रुपीज किया है। सर क्यों मान ले? अरे सभी माफी दे रहे हैं, आपको भी देना पड़ेगा, कंपनी को बचाना है। वो मत पूछो क्यों, क्यों वो रियल लाइफ की बात है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। वो कह रहा है कि प्रेफरेंस वाले जिनका एक शेयर 10 रुपीज का था, उन्होंने 10 रुपीज पे तो किया था, लेकिन अब वो एग्री कर गए कि ठीक है जी, हम मानते हैं कि 10 में हमने सिर्फ 8 रुपीज पे किया है, पेड अप हमने 2 रुपए से कम कर दिया, हम इसकी एंट्री पास करनी है। कैसे एंट्री बनेगी? सर एक दिमाग में सवाल आया, बाद में थोड़ा सा ठहरो, उस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले इस पे एंट्री पे फोकस कीजिए कि एंट्री कैसे बनेगा। अगर पेड अप 2 रुपए से कम हो गया, क्या हमने शेयर को फाड़ के फेंका? नहीं फाड़ा। देख लो आप, 10 का शेयर आज भी वही है, हमने सिर्फ उनका क्लेम कम कर दिया मेरे बच्चे, जितना पैसा उन्होंने कंपनी को दिया था हमने वो अमाउंट कम कर दिया। पहले आपने 10 रुपीज के रेट से दिया था, अब हम क्या बोल रहे हैं कि भैया 8 रुपीज ही मानेंगे आपका, 2 रुपये आपने नहीं दिया हम यही मानेंगे, मतलब 2 रुपये एक तरीके से माफ कर दिया, ठीक वैसे जैसे क्रेडिटर्स ने किया था। क्रेडिटर्स ने भी तो अपने आप को नहीं फुड़वाया था, उन्होंने भी क्या किया था, अपने क्लेम कम कर दिया था, माफी दे दी थी, उसी तरीके से इन्होंने भी 2 रुपीज की माफी दी, बोले कि ठीक है चल 10 का शेयर था, 10 रुपये ऐसे मैंने पे किया था, बट मानूंगा कि 8 रुपीज ही पे किया है, 2 रुपये माफी, हम इसको फाड़ेंगे नहीं। तो विल नॉट मेक एंट्री फॉर फाड़िंग दिस प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट विल डू, विल मेक द एंट्री फॉर रिड्यूसिंग द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ओनली बाय 2 रुपीज पर शेयर। तो देखो ना, अगर इनका क्लेम को कम करेंगे तो इनको डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज के लिए डेबिट करना होगा, तो आपको 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कम करना होगा। ये लीजिए, लिखिए आप यहां पे, आप क्या करेंगे, 12% जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे बच्चे, इस 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप कम कीजिए पर शेयर 2 रुपीज, तो 20,000 शेयर है और पर शेयर आपने 2 रुपीज कम किया, तो ये 40,000 से आपके कम हो जाएंगे, और ये फायदा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे आपको, यहाँ पे टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, जो घट गया घटा दो, जो बढ़ गया बढ़ा दो, और इनसे जो आपके घाटे फायदे होंगे, दो घाटे फायदे विल ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। पर बच्चे अब जाके बात पूरी हो चुकी है, हमारा 1 लाख का टारगेट था, 1 लाख यहाँ अचीव हो गया, अब दोनों सेट बैलेंस शीट आपका टैली हो जाएगा। बिलीव कीजिए, जो मैं नया बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैं नया बैलेंस शीट, सर यहाँ पे आपने ब्लैंक जगह छुड़वाया था, थोड़ा सा ठहर जाओ, पहले मुद्दे पे आने दो, मुद्दे पे, जो हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे ना बच्चे, उस नए बैलेंस शीट में क्या देखेंगे आप यहाँ पे, कि अब जितनी सारी बीमारियां थी वो दूर हो चुकी हैं, इनके एसेट्स 1340 के हो चुके हैं, इनका टोटल भी आपका 1340 हो चुका है, जो हाई रेट था उनको भी हमने कम कर दिया है, अब यही कंपनी हम उसके ओनर को देंगे कि लो भैया कंपनी को अब चलाना शुरू करो, और कंपनी को चलाना शुरू करेगा, हमारा पर्पस पूरा हो चुका। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो नया बैलेंस शीट कैसा बनेगा, लेकिन मेरे बच्चे उस नए बैलेंस शीट को बनाने के लिए मैं जगह कौन सा लूँ, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ मुझे मिटाना नहीं है, मैं क्या यहाँ पे
ये ऊपर आएगा थोड़ा सा, नहीं आएगा शायद, ऊपर नहीं जाता ये। तो मैं कहाँ उस बैलेंस शीट को बनाऊँ बिना किसी को मिटाए बगैर? तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं बैलेंस शीट अलग से बना देता हूँ। आइए ये लीजिए आप, यहाँ पे ये रहा हमारा बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट, और आप न्यू बैलेंस शीट मेरे साथ बनाइए यहाँ पे, न्यू बैलेंस शीट। तो आप मेरे साथ बैलेंस शीट यहाँ पे बनाएंगे, और ये भी नया बैलेंस शीट अभी कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं पूरा ऐसे फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आपका है ना। ये बैलेंस शीट कब बन रहा है? आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन, आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन। तो रिकन्स्ट्रक्शन के बाद हम इस बैलेंस शीट को बना रहे हैं। मैंने थ्योरी वाली क्लास में बताया था कि अगर कोर्ट ऑर्डर करे तो इनके नाम के साथ क्या लिखा हो जाएगा, एंड रिड्यूस्ड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। कोर्ट ऑर्डर करे तो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही करेंगे, कोर्ट ना ऑर्डर करे तो। क्वेश्चन बताएगा आपको, चिंता नहीं करना। चलिए मैं नया बैलेंस शीट बना रहा हूँ पुराने फॉर्मेट में, मेरे साथ कीजिए आप। मशीन की नई वैल्यू बताओ कितनी रह गई, 2,40,000। साथ साथ कीजिए आप, साथ साथ, आगे पीछे नहीं। वो फर्नीचर मेरे बच्चे कितने का रह गया, फर्नीचर आपका कितने का रह गया? वो फर्नीचर रह गया 1,20,000 का, 120 का है ना। बिल्डिंग जो आपका 5 लाख का था वो अब कितने का रह गया, तो 5,50,000 का, 5,50,000 का, 550। ठीक है, डेटर्स मेरे बच्चे, डेटर्स तो 120 है बट अंदर में आ जाएगा क्योंकि हमने इस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट किया था, कितने का, 20 का, और ये वैल्यू कितना रह गया, 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका। ठीक है ना, कैश में कोई चेंज नहीं था तो ना चेंज तो ठीक है ना, जिसमें चेंज बताएगा उसी में एंट्री करेंगे, ना बताया तो उसको ऐसे छोड़ देंगे। पेटेंट्स मेरे बच्चे आपका कोई चेंज नहीं था तो पेटेंट्स आपका ऐसे ही, कितने का था आपका यहाँ पे, 2,50,000 का, 250 का। फिर उसके बाद आपका गुडविल तो खत्म हो चुका, प्रॉफिट लॉस खत्म हो चुका, प्रिलिमिनरी खत्म हो चुका, ये टोटल आपका 13,40,000 आपका आ जाएगा है ना। ठीक है, इस साइड में देखिए आप, इक्विटी शेयर में क्या चेंज किया था, फेस वैल्यू देखो कैसे लिखा जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल ऑफ रुपीज, ध्यान से 8 ईच, क्योंकि फेस वैल्यू जो 10 था हमने 8 कर दिया, लेकिन आज भी शेयर क्या है, फुली पेड अप है, शेयर फुली पेड अप है ना। तो वो 30,000 शेयर्स इंटू आपका 8, यानी कि 2,40,000, 60 से इन्होंने कम किया था ना बच्चे, तो ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि इनका शेयर जो 10 का था वो 8 का हो गया, बट फुली पेड अप है, हम इनसे पैसा दोबारा नहीं मंगा सकते है ना, फुली पेड अप है। लेकिन याद कीजिए जो प्रेफरेंस शेयर्स थे, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल ऑफ रुपीज 10 ईच, वो अभी भी 10 वाले हैं, लेकिन मेरे बच्चे रुपीज कितना, 8 पेड। ध्यान दीजिए हमने उनका फेस वैल्यू कम नहीं किया था, फेस वैल्यू आज भी 10 है, बट पेड अप कितना हो चुका, 8, और बाहर में पेड तो जाता है, यानी कि 20,000 जो शेयर्स थे इनटू आपका 8, कितना हो गया, 160। दोनों में फर्क समझो, जब फेस वैल्यू चेंज हुआ ना तो इनका पूरा का पूरा ओवरऑल क्लेम ही कम हो गया, हम इनसे दोबारा पैसा नहीं मंगा सकते हैं। पहले 10 का था अब 8 का हो गया, फुली पेड अप आज भी है, तो पहले 10 पेड अप था अब 8 पेड अप हो गया। लेकिन मेरे बच्चे अगर आपने अपना पेड अप को कम किया है तो अब आपसे कंपनी को 2 रुपीज पर शेयर मंगाने का राइट आपके पास आ चुका है। कंपनी कैल कॉल दैट अमाउंट, पहले 10 का था फुली पेड अप थे, आप कहते हो चलो हम 8 ही पेड अप मानेंगे, तो जब 8 ही पेड अप मानेंगे, शेयर आज भी 10 का है तो 2 रुपये मंगा सकते हैं ना, कंपनी को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी आपसे 2 रुपये मंगा सकती है। ये दोनों में फर्क होता है, फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू में, याद रहेगी बात आपको, ये सर। फिर उसके बाद मेरे बच्चे अगला जनरल जोर खत्म कर चुके हैं, 16% बैंक लोन को आपने क्या बना दिया था, 12% बैंक लोन, नया नाम नया वैल्यू लिखा जाएगा, और इनकी लायबिलिटी आज भी आपका 250 थी, उसमें कोई आपका चेंज नहीं आया था। इनके जो 18% डिवेंचर्स थे उसको हमने क्या किया था, 11% डिवेंचर कर दिया था, 11% डिवेंचर्स है ना, नया नाम विथ न्यू वैल्यू, और कर्ज कितने का, 220 का, तो 220 का अमाउंट यहाँ पे हो गया। फिर मेरे बच्चे क्रिएटर्स ने भी अपने क्लेम को 80,000 से कम किया था, तो क्रिएटर्स की वैल्यू 220 रह गई है ना, और वो बिल्स पीपल बदमाश, वो कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कम करेंगे, तो 250 आप पहले थे आज भी 250 रहेंगे, ये दोनों साइड आपको यहाँ पे टैली करना चाहिए। 1340 चेक कर लो, यहाँ भी आ गया 4650, 850, 870, 890, 1090,
1340। आप ये देखो, कंपनी को आपने प्रॉपरली रिकंस्ट्रक्ट करके उसके अंदर की सारी इंटरनली जो खामियां थी उसको दूर करके अब कंपनी आप उनको हैंड ओवर करेंगे कि अच्छा प्रोजेक्ट है तो कंपनी को लो आप चलाओ, ये आपका होता है। ये नो डाउट कि हम बैलेंस शीट हमेशा न्यू फॉर्मेट में बनाएंगे, इसके बाद सारे क्वेश्चन हम इंडेक्स के मुताबिक करेंगे, बट दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में मेरे बच्चे, मैं आगे बढ़ने के पहले एक चीज और बता दूं कि ये जो चीज है ना, ये वाला चीज आपका फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू। मैं जानता हूं कि जब हम इतने बड़े एग्जाम को एग्जाम देने जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और उस स्ट्रेस के टाइम पे मैं तो रहता नहीं, और कहीं आप उस स्ट्रेस में आप भूल गए कि फेस वैल्यू में कैसे एंट्री बनता था, पेड अप में कैसे एंट्री बनता था, कहीं दिमाग भूल गया तो फिर कैसे याद रखेंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं याद रखने का, आप आसानी से रख सकते हैं। देखो आप यहां पे फेस वैल्यू मेरे बच्चे, जब भी चेंज फेस वैल्यू का होगा तो फेस फर से फाड़ना, यानी कि जब भी चेंज फेस वैल्यू का होगा तो पुराने शेयर को हम फाड़ देंगे, हम पुराने शेयर को हटा देंगे, फाड़ देंगे, नए शेयर को इशू करूंगे और घाटा फायदा रिकंस्ट्रक्शन में। फर्स्ट फेस फर्स्ट फाड़ना, अब इससे सिंपल क्या होगा। और अगर कहता कि पेड अप वैल्यू, तो पेड अप वैल्यू मेरे बच्चे, पेड अप वैल्यू में कैसे याद करेंगे, पेड अप पी प, क्या पैसे फाड़ना होता है, पैसे फाड़ना नहीं होता, पैसे फाड़ना कहां होता बदमाश, तो नहीं फाड़ेंगे, अरे नहीं फाड़ेंगे। फर्स्ट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू चेंज होगा तो फाड़ने की एंट्री करूंगा, नया इशू करूंगा, लेकिन जब पेड वैल्यू होगा, पेड अप वैल्यू, तो वहां पे फाड़ने की एंट्री नहीं करूंगा, जो घाटा फायदा होगा उसकी एंट्री पास कर लूंगा। अब इससे सिंपल क्या बताओ बदमाश, इतना तो याद रख ही सकते हो आप। लेकिन पता है क्या होता है, एक एग्जामिनर गेम को यहीं पर नहीं छोड़ता, एग्जामिनर और आपके साथ गेम खेलता है इस, खासकर इस चैप्टर में। वो देखता है कि यार ये बच्चा सच्ची में सीओसी का है या कोई एरा गैरा बच्चा है, वो चेक करना चाहता है। पता है चेक कैसे करता है, वो चेक करने के लिए क्या करेगा, ये जो सेंटेंस है ना कि फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय रुपीज 2 पर शेयर, मेरे बच्चे वो पता क्या करेगा, इसको एक दूसरे तरीके से वो आपको लिख देगा। मैं लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने शायद जोश में आके, इतना ठीक है। पता उस वो इसको कैसे बोलेगा, कुछ ऐसे बोल देगा, पता है क्या, लिखो यहाँ पे जो आपने एक लाइन जगह छोड़ता ना यहाँ पे ब्रैकेट में, वहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं आपको। कहता है कि ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड टू रुपीज 8 पर शेयर, और यहां पे जो ये था पेड अप वाला उसमें लिखे ब्रैकेट में ईच प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड बाय रुपीज 2 पर शेयर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भोले बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर उसने साफ साफ मेंशन कर दिया कि चेंज फेस वैल्यू का या चेंज पेड अप वैल्यू का, तो लैंग्वेज कुछ भी दे, मीनिंग आपका फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू की एंट्री करनी है, फर्स्ट फेस फर्स्ट फाड़ना, वो एंट्री पास कर देंगे। लेकिन एग्जामिनर के अगले गेम को देखो, ये जो दो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा ना, इसमें इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी उसने मेंशन नहीं किया है कि चेंज आपका फेस वैल्यू का है कि पेड अप वैल्यू का है। देख लो आप, कहीं भी मेंशन नहीं कर रहा है। वो कहता है ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस 2 रुपीज 8, बट फेस वैल्यू की पेड अप वैल्यू, ईच प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाय रुपीज 2, बट कहां फेस की पेड अप वैल्यू, नहीं बता रहा। मैं रिपीट कर रहा हूं, फेस वैल्यू पेड अप बोले तब तो कुछ भी सेंटेंस बोले मीनिंग वही निकालेंगे आप कि फेस और पेड अप का। लेकिन मेरे बच्चे, अगर सेंटेंस के अंदर में वो मेंशन नहीं करता कि चेंज फेस का है कि पेड अप का है, तो आपको एक वर्ड से इस बात को समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में जनरली ऐसे वर्ड यूज करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, बाय है, बाय। अगर वो क्वेश्चन में कहता है रिड्यूस 2, तो
तो अब समझ लेना कि हाँ, इसका मतलब कि फेस वैल्यू का चेंज है, टू का मतलब फेस वैल्यू का, और बाय का मतलब क्या जी, पेड अप वैल्यू का। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन फेस वैल्यू, चेंज इन पेड अप वैल्यू बोले तो ठीक, नहीं तो फिर टू बाय से हम समझेंगे, टू का मतलब फेस वैल्यू का चेंज और बाय का मतलब पेड अप वैल्यू का चेंज, अगर सेंटेंस वो मेंशन नहीं करता तब कि क्या चेंज हो रहा है। क्लियर यहाँ तक आपका? बोलो हाँ, बोलो हाँ बदमाश। ये सर, तो ये हमने क्या किया, काम खत्म किया हमने धीरे धीरे। मेरे बच्चे आप बिलीव करो, इस चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए। कभी कभी एग्जाम में देखा जाता है कि वो बोलता है कि प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, वो बोल देता है कि प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, तो आओ ना मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी दिखा देता हूँ बनाना। लिखिए आप यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि ये जस्ट लाइक एक लेजर अकाउंट आप बना रहे हैं। इसको बनाना मेरे बच्चे बहुत ही सिंपल है। हम उसमें क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों ने एंट्री किया ना, जो भी हमने एंट्री किया उस एंट्री को हम यहाँ पर लेकर आने की बात करते हैं। जैसे कि अब देखो, पहली एंट्री आपका क्या था, रिकंस्ट्रक्शन, तो हमने क्या बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में टू मशीन हमने बोलना है यहाँ पे, क्या कौन कौन आपका आ रहा है, रिकंस्ट्रक्शन टू मशीन, कितना मशीन से आपका मशीन एंट्री में देखिए 160 से मशीन की वैल्यू कम हो गई। साथ साथ कीजिए आप यहाँ पे, अगर बोल दे बनाने को तो टू फर्नीचर कितना है 80,000 का अमाउंट, फिर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना 20,000, और फिर आपका टू गुडविल कितना आपका 1 लाख अमाउंट। इसका बिल्डिंग यहां चला गया, बिल्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शन, तो बाय बिल्डिंग है ना, पढ़ा ना बचपन में बदमाश, जनरल को लेजर में चेंज करना। मैं तो आगे आपको बताऊंगा बिना एंट्री पास किए कि लेजर अकाउंट कैसे बना लोगे आप रिकंस्ट्रक्शन। फिर हमने क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहां लिखा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अकाउंट। प्रॉफिट लॉस हमने हटाया 120 से और यहाँ पे 80। यहाँ पे हम बस ये इंश्योर करते हैं कि घाटा फायदा मेरा बराबर है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बताइए, फिर आपका यहाँ रिजर्व को, रिजर्व टू रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन में बाय जनरल रिजर्व बताइए कितना आपका 150 का अमाउंट है ना बच्चे। फिर आपका यहाँ पे बैंक लोन टू, ये तो कोई घाटा फायदा हुआ है नहीं, यहाँ पे आइए डिवेंचर टू रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन में बोलेंगे बाय 18% डिवेंचर। और नाम जब भी आता है तो नाम आता है अपोजिट वाले का, अमाउंट आता है रिकंस्ट्रक्शन के आगे वाला जिसका अकाउंट बनाते हैं, 180 का अमाउंट आपका। फिर उसके बाद क्रिएटर्स ने भी हमें माफी दी थी, बाय क्रिएटर्स ने हमें 80,000 का दिया था यहाँ पे आपका, लिखिए मेरे साथ। बिल्स वाले में कोई एंट्री पास नहीं किया था, हो गया, इक्विटी वालों का फायदा मिला था और उससे, तो इक्विटी से फायदा मिला बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, मुझे याद है 60,000 का था, और प्रेफरेंस वालों से फायदा मिला था बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000 का। और बस इसके बाद हमारा ये दोनों साइड क्या हुआ कि टैली कर गया, इसको टैली कीजिए, तो टैली करके अमाउंट कितना हो गया 480 का आपको यहां पे टोटल घाटा हुआ, एक मिनट कितना 560 का टोटल आपको फायदा मिला, और ये 560 का टोटल आपको यहाँ पे फायदा, सॉरी घाटा ये फायदा ये, तो 560 का टोटल लॉस आपको हुआ ना, 560 का फायदा मिलेगा तभी तो बैलेंस शीट टैली करेगा, यानी कि इन शॉर्ट ये दोनों साइड हमेशा क्या करेंगे, टैली करेंगे आपका, ठीक है ना। तो आप प्लीज इसकी कॉपी कर लीजिए, ये पूरा का पूरा फुल फ्रेज मैंने क्वेश्चन करा दिया मेरे बच्चे, एक बार जल्दी से कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ये पूरा कॉन्सेप्ट रिकंस्ट्रक्शन का मैंने आपको समझा दिया, जल्दी कॉपी कीजिए। चलो अब ना कुछ मैं नोट लिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रिकंस्ट्रक्शन जो आपने बनाया था, इसी के नीचे नोट लिखेंगे बच्चे, इसी के नीचे नोट लिखेंगे आप, नोट नंबर वन,
नोट नंबर वन आपका, नोट नंबर वन लिखना, व्हाइल प्रिपेयरिंग लिखिए मेरे साथ, व्हाइल प्रिपेयरिंग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोथ साइड शुड गेट टैली साथ साथ लिखिए, ये दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए फुल स्टॉप. बट इफ एनी बैलेंसिंग फिगर कम्स टू डेबिट साइड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कॉमा इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व फुल स्टॉप. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. एंड इफ बैलेंसिंग फिगर कम्स टू क्रेडिट साइड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू गुडविल अकाउंट है ना, गुडविल अकाउंट आपका. तो ये बात ध्यान रखेंगे जब ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाते हैं बच्चे, ये हमेशा दोनों साइड क्या होता है, टैली कर जाता है. जैसे इसमें किया, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपका दोनों साइड टैली नहीं करेगा, डिफरेंसेज आ जाएंगे. डिफरेंस आने का मतलब है कि आपके जो घाटे हैं डेबिट में, ये सब क्या है जी, ये सारे घाटे हैं, है ना बच्चे. जितने भी आपको रिकंस्ट्रक्शन पे लॉस हुआ सब यहाँ चला गया, और जो आपको फायदा हो रहा था उसको हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर लिख रहे थे आपका सारे फायदे सारे घाटे. तो फायदा और घाटा दैट मस्ट बी इक्वल, यानी कि तब बैलेंस शीट आपका टैली करेगा. अगर ये आपका दोनों इक्वल नहीं है, और मान लो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रहा बच्चे, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आने का मतलब कि फायदा ज़्यादा है घाटा कम है. ये जो नेट फायदा निकल के आएगा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे, और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा. और अगर मान लो बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकल के आ रहा है, यहाँ पे आने का मतलब कि घाटा ज़्यादा है फायदा कम है, है ना. जब ये बड़ा होगा तभी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा. तो इसको हम क्या करेंगे, गुडविल को ट्रांसफर करके बैलेंस शीट में लेके चले जाएंगे. ये इसका मतलब होता है, याद रहेगी बात आपको. ये सर नोट नंबर टू लिखेंगे आप यहाँ पे. कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट कॉमा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं है ना, इन नाम से भी इनको जाना जाता है. तो कोई भी नाम एग्जाम में आ जाए मीनिंग सेम होता है, आपको परेशान नहीं होना है. फिर लिखेंगे आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट इफ मार्केट वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल ऑब्लिक इनटेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन के अंदर में आपके जो टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, उनका मार्केट वैल्यू आज कितना अगर ना बताए, इज नॉट गिवन क्वेश्चन. वी ऑलवेज एज्यूम इट इज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू. इनकी बुक में जो वैल्यू है
उसी वैल्यू पे मेरे बच्चे हम मान लेंगे कि उनकी वैल्यू आज है, अगर अगर कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ सेम वैल्यू तो फिर एंट्री क्यों पास किया जाएगा, हम उसे कोई एंट्री पास नहीं करते, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट लिखिए आप यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट कहता है फोर्थ पॉइंट में, इफ पेबल वैल्यू of any liability is not given in question, we always assume it is equal to its बुक वैल्यू, इनकी जो बुक में वैल्यू है उसी वैल्यू पे हम क्या मानते हैं जी, इनका पेबल वैल्यू है। इतनी सी तो बात है, तो कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं बच्चे, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें परेशानी है नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अब टाइम वेस्ट करने कोई फ़ायदा है नहीं, क्यों ना मैं आपको अब बुकलेट के क्वेश्चन में लेकर आऊँ और वहीं से जो नए नए पॉइंट्स निकल के आ जाएगा उनकी तैयारी कराऊँ और मस्त तरीके से आपको आगे बढ़ाऊँ, ठीक है ना। आइए अपने बुकलेट में आपका इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 और हम बहुत फास्ट भागेंगे। आप बिलीव कीजिए हर एक चीज़ आप जानते हो, 2-3 नए नए पॉइंट्स आएंगे जिनको हम समझते चलेंगे और काम खत्म होएगा, ठीक है ना। जल्दी आइए बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप आएंगे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आपका। लिखिए मेरे साथ, ये तो मेरे बच्चे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं अब क्वेश्चन नंबर 1 का। पढ़िए जरा क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ो ना। बैलेंस शीट कहता है ऑफ एक्स लिमिटेड इज गिवन बिलो ऑन 31 मार्च 2024। इसमें मशीन बिल्डिंग फर्नीचर डेटर्स कैश गुडविल डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है एट द रेट ऑफ ₹10, ना बताए तो फुली पेड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बता रहा है, रिजर्व है, डिवेंचर है, बैंक लोन है, क्रेडिटर से बिल्स पेबल है। सेम क्वेश्चन मेरे बच्चे जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में कराया था, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। आपको पता है कि दो नाम एसेट साइड में डिस्काउंट ऑन डिवेंचर प्रॉफिट लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे ही करेंगे, बोले तो भी ना बोले तो भी। फिर इधर कहता है कि स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन में वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड, आओ ना फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड रखेंगे इसको। 1 में आप आइए पॉइंट नंबर 1, जिस पॉइंट की एंट्री है उसी में दिखाएंगे। मशीन की वैल्यू कहता है कि 10% से डेप्रिशिएट कर दो, यानी कि मशीन की वैल्यू कम हो गई, टू मशीन अकाउंट 10%, 3 लाख का 10% यानी कि 30,000। और ये जो मशीन की वैल्यू कम हो गई कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में। रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट के कई सारे नाम होते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी कहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट भी कहते हैं, जो बोलेगा वो ठीक है। नंबर 2 पे आप आइए, बिल्डिंग की वैल्यू कहता है कि 20% से इंक्रीज कर गया तो बिल्डिंग एसेट है वरना डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड हो गया। स्पीड मेंटेन करो ना, अब आप जानते हो, और ये फायदा कहाँ चला जाएगा, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में। जो बढ़ गया बढ़ा दो, जो घट गया घटा दो, घाटे फायदे कहाँ जाएंगे, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में। तो 1 लाख से हमने एंट्री कर दी। थर्ड में आप आइए, थर्ड में कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज एस्टिमेटेड एट 140। मेरे बच्चे फर्नीचर बैलेंस शीट में 2 लाख का था, 140 हो गया, 60,000 से वैल्यू गिर गया, यानी कि 2 फर्नीचर अकाउंट, है ना। जो एसेट बढ़ गया बढ़ा दो, जो घट गया घटा दो, घाटे फायदे कहाँ जाएंगे, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में। तो आपने रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट डेबिटेड, है ना। तो 60,000 की एंट्री हमने कंप्लीट कर दी। फोर्थ में आइए, फोर्थ में फास्ट फास्ट, यू नो नाउ एवरीथिंग। डेटर्स 20,000 कहता है कि राइट ऑफ करना है, मतलब कि कम करना है, प्रोविजन नहीं बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिकन्स्ट्रक्शन टू डेटर्स अकाउंट, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। अगर राइट ऑफ करने के लिए ना बोलता, कहता है कि डेटर्स 20,000 से कम हो गए, तो मेरे बच्चे वहाँ पे मैं यहाँ पे चाहूँ तो प्रोविजन का भी नाम लिख सकता था, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। फिफ्थ में आइए, कहता है कि कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन अमाउंटिंग टू 10,000 पेड टू बी रिटर्न ऑफ। ये क्या हो रहा है, सुनिए ध्यान से। देखो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन कराते समय बताया था कि ये काम एक CMA करता है, जनरली एक CMA या CA करते हैं, दो में से किसी कोई भी एक कर सकता है। तो जब ये काम एक CMA या CA कोई भी करेगा, तो जरा बताओ कंपनी को रिकन्स्ट्रक्ट करने की जो जिम्मेदारी है फ्री में करोगे क्या? अगर फ्री में तो फिर लोग आप पे पैसे कैसे फेंकेंगे, जरा बताओ। यानी कि यहाँ पे क्या होगा बच्चे, कि जिसने भी इस कंपनी को रिकन्स्ट्रक्ट किया होगा उसने चार्जेस लिए होंगे, और यहाँ पे चार्ज कितना पे किया, 10,000। तो जब 10,000 पे करोगे तो फर्म के पास, कंपनी के पास से क्या होगा, कैश आपका कम हो जाएगा,
कितने से 10,000, और ये कहाँ चला जाएगा, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में, रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट को आप डेबिट कीजिए। देखो बहुत सिंपल है समझना कि यार रिकन्स्ट्रक्शन का नाम क्यों आएगा, कैसे आएगा। हमेशा एंट्री करते समय इस बात को ध्यान रखना, ये देखो आप, आपको ये बनाना नहीं है, मेरी बात सुननी है। जब भी कोई एंट्री हो ना, जब भी कोई एंट्री हो और उस एंट्री से इस बैलेंस शीट में इंपैक्ट आए मेरे बच्चे, बैलेंस शीट में इंपैक्ट आए, और वो इंपैक्ट इस तरीके से हो कि आपका दोनों साइड बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा उस एंट्री के बाद, तो नाम रिकंस्ट्रक्शन का आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मशीन की वैल्यू अगर हम 30,000 से कम कर दें, जरा बताओ यहाँ पे हमने 30 से कम कर दिया तो क्या बैलेंस शीट टैली करेगा, नहीं टैली करेगा, क्योंकि सिर्फ एक जगह कम किया, इधर कुछ कम ही नहीं किया आपका, तो नाम आपका रिकंस्ट्रक्शन का आएगा, है ना। तभी तो उतना घाटा हमारा टारगेट बनेगा कि यहाँ भी हमें कम करना है जी। हमने क्या किया मेरे बच्चे, अब इसको हटाइए, यहाँ पे आपने बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। अगर सिर्फ मैं बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में इंक्रीज कर दूँ, बाकी सारी वैल्यू सेम रहे, तो क्या बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, नाम रिकंस्ट्रक्शन का आएगा। अब यहाँ देखिए उसी तरीके से, अगर 10,000 मान लो, अब इसको भी हटाइए, अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन पर 10,000 कैश पे कर दिया तो आपके एसेट साइड का कैश 10,000 से कम हो जाएगा, बट इस साइड को इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्या बैलेंस शीट टैली करेगा, नहीं टैली करेगा, तो नाम रिकंस्ट्रक्शन का आएगा। जब भी आपका वो ट्रांजेक्शन जो एग्रीमेंट हो रहा है, अगर वन एक जगह पे मतलब कि ऐसा इम्पैक्ट लेके आ रहा है कि आपका बैलेंस शीट क्या हो रहा है कि यहाँ पे टैली नहीं कर रहा, तो रिकंस्ट्रक्शन का नाम आएगा, है ना। अभी अभी और क्यों बोलना चाहता हूँ आगे बताऊँगा, पहले आगे पढ़ना। देखो ना सिक्स पॉइंट क्या बता रहा, कहता कि इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर्स रिड्यूस टू 10%। अब देखो बैलेंस शीट में जो डिवेंचर्स उस पर रेट 16% था, रेट ही कम हुआ ना, तो आपने क्या करना है कि 16% डिवेंचर को आपने हटा देना है, है ना, अकाउंट डेबिटेड। कितना बैलेंस शीट में 4 लाख रुपीज, और जो नया डिवेंचर्स आपने इशू किया दैट इज 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट सेम अमाउंट का, मतलब कि आपका जो दोनों साइड का अमाउंट है उसमें कोई चेंज थोड़ा ही आ रहा है, जो जितना अमाउंट मेरे बच्चे पहले था एग्जैक्टली वही अमाउंट है, सिर्फ रेट को आपने चेंज कर दिया, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस शीट दोनों साइड टैली कर रहा होगा, तो इसलिए रिकंस्ट्रक्शन का नाम नहीं आएगा, एक नाम को हटा के दूसरे को लेकर आ गए, बट जो 4 लाख पहले था अभी भी 4 लाख ही तो है। फिर कहता है आगे पढ़िए, 18% बैंक लोन कन्वर्टेड इंटू 12% बैंक लोन, देयर क्लेम वॉज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू 240। अभी सब सिखाया था, ये सब अब आपके लिए सिंपल पॉइंट है। तो सेवेंथ की एंट्री में आप आइए, सेवेंथ एंट्री में हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सेवेंथ एंट्री आपका। देखो ना, आपका जो 18% बैंक लोन है मेरे बच्चे, उसको हटाया जा रहा है क्योंकि रेट चेंज हो गया ना। जब भी रेट चेंज होगा तो पुराने को फाड़ के फेंक देंगे, नया हम इशू करते हैं। तो 18% बैंक लोन टू नया कितना रेट हो गया आपका, 12% बैंक लोन, ये लिखा आपने 12% बैंक लोन, ठीक है। तो बैंक लोन 18% को हटाइए, मुझे बताओ बैलेंस शीट में 18% बैंक लोन कितना है, 350, ये पूरे 350 हट जाएगा। जब भी आपने रेट चेंज कर दिया तो पुराने को पूरे से हटाना होगा, नया मेरे बच्चे क्लेम कितने का रह गया, 2,40,000 का, 240 का। तो 1,10,000 का जो आपका डिफरेंस आ गया, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, है ना। क्लेम रिड्यूस टू आपका 240 रह गया, तो 110 से कम हो गया, ठीक है। आगे पढ़िए, अब देखो ना यहाँ पे आपको थोड़े चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए क्योंकि अब ये चीज़ आप समझ जाएंगे। कहता है कि पॉइंट नंबर 8 में ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस 2 रुपीज 6 पर शेयर। आप देख रहे हो कि इस लाइन में कहीं पर भी फेस वैल्यू पेटअप वैल्यू नहीं बताया, तो आप जानते हैं रिड्यूस टू का मतलब फेस वैल्यू का चेंज होना, यानी कि मेरे बच्चे आपका जो 8th पॉइंट आप यहाँ पे बनाएंगे, 8th एंट्री जो बनेगा, उस 8th एंट्री में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे आपका, तो 8th एंट्री में आप एक काम कीजिए, इक्विटी रिड्यूस फेस वैल्यू चेंज हो रहा है ना, तो फर्स्ट से फेस फर्स्ट से फाड़ना वो इक्विटी शेयर कैपिटल। मुझे बताइए बैलेंस शीट में पहले कितने रुपये वाले हैं, 10 रुपीज़ वाले, उनको हटा दो, अकाउंट डेबिटेड। इसके जगह पे नया इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जरा बताओ नए शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपीज़ है आपका, 6 रुपीज़ वाले, और जो घाटे फायदे होंगे उनको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, विल ट्रांसफ़र टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितना, 5 लाख हटा दीजिए, क्योंकि जब भी फेस वैल्यू चेंज हुआ पुराने को फाड़ के फेंक देंगे। नया जो आपके पास कैपिटल है मेरे बच्चे वो 6 रुपीज़ वाला है, तो जरा बताओ कितने,
ये पहले 50,000 शेयर्स थे 10 रुपीज वाले, नया शेयर 50,000 तो है लेकिन 6 रुपीज वाले, यानी कि 3 लाख रुपीज का अमाउंट। तो 2 लाख का फायदा विल ट्रांसफर इट टू कहाँ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। और देखो ना, 9th पॉइंट जो है मेरे बच्चे, उसमें कहता है ऑल प्रेफर्ड शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय ₹3, बाय का मतलब कि पेड अप वैल्यू। तो आप एक काम करेंगे कि 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो लाइबिलिटी है वो पर शेयर आप 3 रुपीज से कम कर देंगे। शेयर्स है कितने बैलेंस शीट में, 3 लाख का अमाउंट 10 यानी कि 30,000। तो मेरे बच्चे जो 30,000 शेयर्स है ना इनटू आपका 3, 90,000 से आप ये एंट्री पास करेंगे, है ना। हम इसमें फाड़ने की एंट्री नहीं करते, जितने से क्लेम कम ज़्यादा होता है हम उसी से पास करते हैं, एंड टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट 90,000। मुझे पूरा विश्वास है ये एंट्री सारा आप समझ रहे हो, कुछ ज़्यादा है नहीं। और वो देखो ना अगला आपका 10th नंबर मेरे बच्चे, 10th नंबर, 10th में कहता है कि क्रिएटर्स अग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 80,000। क्रिएटर्स अपने क्लेम को 80,000 से कम करने को तैयार हैं। तो क्रिएटर्स की लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी का कम होना हम डेबिट करते हैं, क्रिएटर्स को डेबिट कीजिए 80,000 से, और ये कहाँ चला जाएगा, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो आपने इसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपने इसको ट्रांसफर किया 80,000। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। ये सारी एंट्रीज जो क्वेश्चन का उसको पास कर लिया। इसके बाद मेरे बच्चे अब आपको उन एंट्रीज के बारे में सोचना है जिसके बारे में बोले तो भी ना बोले तो भी आपका पास करना होता है, और वो सब क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लॉसेज। तो देखो एसेट साइड में आपने 11th एंट्री एक पास किया जाएगा, वो दो नाम, एक तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स को हटाइए और दूसरा क्या, प्रॉफिट लॉस। तो दोनों नाम हटेंगे तो क्रिएट हो जाएगा, है ना, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर एंड दूसरा क्या, टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बताइए बैलेंस शीट में डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना है, 1 लाख अमाउंट। बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना है, 3 लाख का अमाउंट। टोटल कितना हो गया, 4 लाख। इसको हम कहाँ डेबिट करेंगे, आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, है ना। तो कहाँ कहाँ कोई दिक्कत है आपको, किस तरीके की परेशानी, कौन सा गम आपको, मतलब कि आपको परेशान कर रहा है, यू नो एवरीथिंग। सर बैलेंस शीट में एक रिजर्व है उनको भी हटाएंगे, मेरे बच्चे बोलेगा तब, बोलेगा तब रिजर्व के बारे में बोलेगा तभी हटाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हटाएंगे। ये सिर्फ दो नाम तो बोला, फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉसेज अगर होगा तो उनको हटाएंगे ही हटाएंगे, क्वेश्चन बोले तो भी ना बोले तो भी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आइए एक बार जल्दी से, मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं, एंट्री पूछा था, एंट्री कर दिया हमने, लेकिन एक बार यहाँ पे बना लेते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, एक बार बनाते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और देखते हैं कि क्या रिकंस्ट्रक्शन हमारा टैली कर रहा है या वी आर गेटिंग सम डिफरेंसेज। अगर टैली कर गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिफरेंस आएगा तो क्वेश्चन बोलेगा कि उसको कैसे क्लोज करना है, ना तो आपको पता है डेबिट तो कैपिटलाइजर, क्रेडिट तो आपका गुडविल, ठीक है ना। मैं एंट्री देखने नहीं जाऊंगा, फटाफट यहाँ पे मशीन की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई, टू मशीन, है ना। एक तरीके से पता क्या होता है, जितने भी घाटे होते हैं ना उनको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं और जितने भी फायदे हमें होते हैं उनको यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। अब एग्जाम में घाटा फायदा मत लिख देना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मैं एंट्री क्यों देखूँ, मैं फटाफट मशीन की वैल्यू 10% से कम हो गई यानी कि 30,000 से घाटा हो गया, है ना। कोई एसेट्स की वैल्यू कितना घाटा होता है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई मेरे बच्चे, बाय बिल्डिंग फायदा हो गया, और ये फायदा हमारा कितने का, 1 लाख रुपीज का आपका, है ना, 1 लाख रुपीज का। फर्नीचर की वैल्यू आपका यहाँ पे 60,000 से कम हो गया, घाटा हो गया, टू फर्नीचर 60,000 का अमाउंट आपका। फिर इसके बाद कहता है कि डेटर्स 20,000 राइट ऑफ करना है, डेटर्स कम हो गए हमें घाटा हो गया, है ना, 20,000 का अमाउंट। उसके बाद कहता है कि कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी को कैश 10,000 आपको पे करना पड़ा, घाटा हो गया। सर घाटा क्यों, बदवास एक्सपेंस हुआ, बट आज कोई हम प्रॉफिट लॉस थोड़े बना रहे हैं, तो कोई एक्सपेंस होगा वो भी आपका रिकंस्ट्रक्शन में ही जाएगा, घाटा फायदा में रिकॉर्ड किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट आपने चेंज किया, कोई घाटा कोई फायदा नहीं, 18% बैंक लोन को 12% किया, कोई घाटा फायदा नहीं, लेकिन जो क्लेम आपने कम किया था बैंक लोन का कितने से, 110 से, वो आपको फायदा हो गया। तो बाय बैंक लोन, बाय 18% बैंक लोन, इनका कर्ज, इनका क्लेम मेरे बच्चे आपने कम किया था 1,10,000 से, वो भी एंट्री हमारी हो गई। आगे बढ़िए, फिर क्या बता रहा है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आपने फायदा रिकॉर्ड करना है, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना,
इक्विटी पे हमें फायदा कितने का हुआ था, तो 2 लाख रुपीज का, 2 लाख का था, ठीक है ना। और बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितने लोगों का क्लेम कम होगा उसे क्या होगा, हमें फायदा होगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्लेम कितने से कम हुआ था, लिखा था ना हमने 90,000 से, ये भी हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे क्रिएटर्स ने 80,000 का आपको फायदा दिया था, उन्होंने कर्ज को कम करके। तो क्रिएटर्स आपने क्या किया, यहाँ पे 80,000 का फायदा रिकॉर्ड किया। और फिर आपके वो दो नाम जो हमने, जो लॉस थे, लॉस तो हमेशा घाटा ही है, तो टू, एक तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है ना, और एक हमारा लॉस क्या था, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आपका 1 लाख रुपीज का अमाउंट, और प्रॉफिट लॉस का आपका 3 लाख रुपीज का अमाउंट। आइए चेक करते हैं कि इसमें क्या निकल के आता है ना। दोनों से टैली कर गया, ठीक है, नहीं टैली किया तो हम किससे बैलेंस करेंगे, आपको पता है। तो ये कितना हो गया, 90, 110, 120 है ना, 120, 220, 520, तो 5,20,000 का अमाउंट, 520। इधर बताइए 210, 410, 580, ओहो इधर 580 आ गया मेरे बच्चे, 580 है ना, 210, 410, 580। तो यहाँ भी आपका 580 होना चाहिए दोनों साइड, यानी कि 60,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब देखो ना, यहाँ पे डिफरेंस का मतलब कि फ़ायदा ज़्यादा हुआ होगा, ये साइड जब बड़ा होगा तभी तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन बताएगा कैसे बैलेंस करना है तो ठीक, ना बताए तो हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व से इसको बैलेंस करेंगे, एंड दिस इज आर बैलेंसिंग फिगर। तो एक एंट्री और बन गया आपका यहाँ पे, 10th एंट्री आपका, वो क्या, रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व। लिख लीजिए आप यहाँ पे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। और ये एंट्री आपका कितने से निकल के आया आपको यहाँ पे, तो 60,000 से। इस एंट्री को पता करने के लिए आपको ये हमेशा बनाना पड़ जाता है, जब क्वेश्चन में क्लियर कट बता दो ठीक है, तो हमेशा बनाना पड़ता है ताकि इसका बैलेंस का हम एंट्री कर पाए, ये वर्किंग नोट्स में चला जाएगा। सर एंट्री में नरेशन नहीं लिखोगे, लिख देना अगर आपको मन करे तो, ये कौन रोकता आपका। सर नरेशन क्या लिखेंगे, अरे वो थोड़े पूछोगे आप, बीइंग मशीन, बीइंग मशीन आपका डेप्रिशिएटेड बाय 30,000, बीइंग बिल्डिंग आपका अपवर्ड रिवैल्यूड बाय रुपीज 1 लाख मोर, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय इतना। जो एंट्री करना करो ना, अब एंट्री का नरेशन बचपन में आपने सीखा था, इतने बड़े में क्या सिखाऊं मैं आपको, गंदा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बुकलेट का, ठीक है ना। सर अब क्लास छोड़ दो, सर नहीं मेरे बच्चे अभी क्यों, इस चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं कि छोड़ दो मैं इतनी जल्दी आपका। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में 90% पॉइंट्स आपके कॉमन रहेंगे जो हमने क्वेश्चन 1 में किया, कुछ पॉइंट्स नए होंगे, बट फिर भी हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना होगा ताकि मास्टरी हमारी स्ट्रॉन्ग हो। आइए ना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बैलेंस शीट कहता है मेरे बच्चे ऑफ बकवास लिमिटेड। सर कैसा नाम है, अरे नाम पे छोड़ो ना, नाम पे क्या रखा हुआ है। एग्जाम में जनरली एग्जामिनर क्या करता है, उल्टे से नाम देता है ताकि आप नाम को देखें, हंसे और फिर आप थोड़ा टाइम में बात कर लो, तो आने दो जो भी नाम होगा। पढ़िए, बैलेंस शीट कहता है बकवास लिमिटेड का एज ऑन 31 मार्च 2024, जिसमें कि आपके फिक्स सेट्स है, इन्वेस्टमेंट कहता है 4 लाख और ब्रैकेट में कहता है कि मार्केट वैल्यू 250 है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया कि मार्केट वैल्यू 250 हो चुका है, हम उसको रिवैल्यू करेंगे नीचे बोले चाहे ना बोले। करंट एसेट्स कहता है कि 5 लाख का अमाउंट है आपका, और इस साइड कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रॉफिट लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, डिवेंचर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्रिएटर्स आपके, ठीक है। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बता रहा आपका, सैंक्शन अप्रूव बाय कोर्ट। फिक्सड्स कहता है कि रिड्यूस टू 4 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे दिखाना है। करंट एसेट्स कहता है कि 550 पे, 8% जो डिवेंचर्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच, ठीक है। आगे पढ़ना, क्रिएटर्स वेर अग्रीड टू कंटिन्यू बिजनेस ऑन एग्जिस्टिंग टर्म, हमने किया था। क्रिएटर्स बोलते भैया जो है बस वही है, हम चेंज नहीं करेंगे, तो ठीक है अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका कोई एंट्री थोड़े बनेगा, वहाँ नो एंट्री लिख देंगे। टैक्सेशन लाइबिलिटी कहता है कि सेटल्ड एट 150, मतलब कि जो टैक्सेशन लाइबिलिटी बैलेंस शीट मेरे बच्चे 1 लाख का था, वो आपका सेटल्ड कन्फर्म हुआ कितने पे, 150 पे आपका।
10,000 नया प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किया 10 रुपीज़ वाले टू द पब्लिक, शेयर्स फुली सब्सक्राइब हुआ और कहता है कि 8 पॉइंट में ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹2 पर शेयर, बोलता कि पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट बनाना हम आज तो सीखेंगे नहीं, आज हमें क्या करना है कि बस आपका रिकंस्ट्रक्शन तक सीखेंगे। न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे अगली क्लास से, आज सिर्फ एंट्रीज पे कमांड करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन पे बाकी चीज़ें। बैलेंस शीट हम हर एक चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं बदमाश, कौन सी बड़ी बात है। सुनो ना क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर। पॉइंट नंबर 1, कोशिश करना कि जिस पॉइंट में जिसका एंट्री बनेगा उसी पॉइंट में उसकी एंट्री दिखाना ताकि एग्जामिनर तरीके से क्वेश्चन चेक कर पाए। फिक्स्ड एसेट्स कहता है रिड्यूस टू 4 लाख, तो 2 फिक्स्ड एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। बताइए फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट में कितने के थे, 9 लाख, वो कहता है रिड्यूस टू 4, यानी कि 5 लाख से इनकी वैल्यू कम हो गई। ये कहाँ चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। जो बढ़ गया बढ़ा दो, जो घट गया घटा दो, घाटे फायदे कहाँ ट्रांसफर करूंगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 5 लाख की एंट्री। सेकंड में आप आइए, इन्वेस्टमेंट कहता है कि मार्केट वैल्यू पर दिखाओ, तो 250 पे दिखाना होगा, यानी कि 150 से उसकी वैल्यू कम करनी होगी। टू इन्वेस्टमेंट 150 से आप कम कीजिए और ये कहाँ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। सर ये हो जाएगा हमसे, अरे लिखो तो, अभी तो सीख रहे हो बदमाश, अभी कैसे, अभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने बाकी हैं। करंट एसेट्स कहता है कि 550 पे कर दो, तो 5550 हो गया ना, यानी कि करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, करंट एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 50,000 और ये कहाँ जाएगा, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 50,000 का अमाउंट। फोर्थ एंट्री पे पाइए, फोर्थ पे 8% डिवेंचर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो बैलेंस शीट से आपका जो 8% डिवेंचर्स है उसको हटा दीजिए, अकाउंट डेबिटेड कितना है बैलेंस शीट में, 2 लाख रुपीज। टू इसको हम क्या करेंगे जी, कन्वर्ट किया गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल का नंबर आपको बता रहा है क्या, ये सर कितने शेयर्स दिए हमने, 10,000, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना बता रहा है, 20, यानी कि 2 लाख का। तो ठीक है, बैलेंस शीट में मेरे बच्चे ये देखो आपका बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड में एक 2 लाख रुपीज कम हुआ डिवेंचर और एक 2 लाख आपका बढ़ गया यानी कि कैपिटल, तो बैलेंस शीट तो टैली कर ही रहा होगा ना, जितना कम हो उतना बढ़ गया, रिकंस्ट्रक्शन का नाम नहीं आएगा। मैंने आपको बताया है रिकंस्ट्रक्शन का नाम तब आता है जब दोनों सेट टैली नहीं करता। अब 2 लाख का डिवेंचर जाता लेकिन शेयर हम 180 का इशू करते या 250 का, तो फिर रिकंस्ट्रक्शन का नाम आता है ना, जब दोनों सेट टैली कर रहा है, जितना पहले से था वो ठीक है, एक गया दूसरा नाम आ गया, तो फिर क्यों आएगा रिकंस्ट्रक्शन का नाम। आगे बढ़िए, फिर कहता है क्रिएटर्स वेयर अग्री टू कंटिन्यू बिजनेस ऑन एग्जिस्टिंग टर्म, तो फिफ्थ में हम क्या बोल देंगे, नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं होगा। सिक्स में आई आपका, सिक्स सर कोई एक्सप्लेनेशन देना होगा, नहीं बदमाश नो एंट्री काफी है। सिक्स में कहता है कि टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल्ड एट 150, आपने पढ़ा हुआ है सेटल्ड का मतलब मेरे बच्चे पे हो जाना होता है, पे हो जाना, पेबल नहीं है, अगर पेबल होता तो बोलता है कि टैक्सेशन लायबिलिटी पेबल एट इतना, सेटल्ड हो गया मतलब पे हो गया, तो पता क्या होगा, इसमें एक एंट्री बनेगी, उस एंट्री के अंदर में आपका, पहले मैं ऐसे दिखाता हूँ थोड़ी क्लियरिटी और आएगी। मान लो इस साइड का ये जो टोटल है आपका, इधर का जो आपका अमाउंट है वो 20 लाख है सब कुछ मिला के, इधर भी क्या है 20 लाख रुपीज है सब कुछ मिला के। अब देखो इसमें एक टैक्सेशन लायबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट में कितना, 1 लाख का, तो इसमें से 1 लाख रुपीज खत्म हो जाएगा और एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी, उसका अमाउंट कितना है, 150, यही हुआ ना। इसका मतलब बच्चे एक तो आप इसमें एंट्री पास कीजिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स बताइए बैलेंस शीट में कितना है, 1 लाख, उसको हटा दो और इसके जगह पे आप लिखो यहां पे इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, ये कितना आपका 1,50,000 का अमाउंट है ना, 150, तो 1 लाख की लायबिलिटी एक कई 150 आ गई, तो यहाँ पे 50,000 का मतलब बच्चे हमें लॉस हो गया, दैट लॉस विल ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। समझ रहे हो ना, एक लायबिलिटी जो आपके पास सिर्फ 1 लाख की थी
उस वन को हटा के 150 रिकॉर्ड करना लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी का बढ़ना क्या मतलब, घाटा हो गया हमें। सर घाटा कैसे हो गया, अरे ज़्यादा पे करना होगा बदमाश आपको, है ना, रिकंस्ट्रक्शन में चला गया। सिक्स में इसके बाद एक और एंट्री पास करना होगा, वो क्या, सेटल हो गया ना। इस एंट्री का मतलब होता है बीइंग टैक्स पेबल है, ये पेबल की एंट्री हो गई, पेबल की। अब दूसरी एंट्री में पे कर दिया आपने पे कर दिया, तो जब पे कर दिया तो हम क्या करेंगे, इस इनकम टैक्स पेबल को आप हटाइए, कितना, पूरे 150 और पे कर दिया, यानी कि टू बैंक अकाउंट कितना, 150 का अमाउंट हो गया आपका बीइंग टैक्स पेड। सेटल्ड का मतलब पे हो जाना होता है, तो पहले आप उसको प्रोविजन को पेबल में लेकर आएंगे, फिर पेबल में। और एक खास बात आपने देखा होगा कि इस पॉइंट में अगर दो एंट्री बना तो मैंने इसी में पॉइंट ए भी कर दिया, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में कोई दिक्कत ना हो, क्लियर ना। आइए अगला सेवेंथ पॉइंट, आपका सेवेंथ पॉइंट में आप आएंगे। सेवेंथ पॉइंट में कहता है कि प्रेफरेंस हमने इशू किया है 10,000 नए 10 रुपए वाले इशू किया ना, तो पैसे आए होंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू आपने क्या नाम है उसका, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स रेट आपका, जो नाम नहीं बता रहा, तो सिंपली टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो हमने कितना 10,000 × 10 यानी कि 1,00,000 रुपीज के। अब देखो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का नाम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1,00,000 से यहाँ भी आपका इंक्रीज होएगा और 1,00,000 यहाँ भी इंक्रीज होएगा, पैसा भी तो आया, तो फिर क्यों रिकंस्ट्रक्शन का नाम। रिकंस्ट्रक्शन तब आता है जब दोनों से टैली नहीं करता, यहाँ तो 1,00,000 एसेट्स में 1,00,000 यहाँ पर भी, ठीक है। और फिर मेरे बच्चे आपका पॉइंट नंबर 8 में आइए, कहता है कि ईच इक्विटी, जितने भी आपके पास इक्विटी हैं, जितने भी इक्विटी हैं उनको रिड्यूस बाय रुपीज टू, फेस वैल्यू पेड वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिड्यूस्ड बाय बोल रहा है ना, अगर फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू यूज ना करे तो बाय का मतलब क्या, पेड अप वैल्यू। तो कितने इक्विटी आपके पास से बताइए, कितने इक्विटी है, ध्यान से बैलेंस शीट में मेरे बच्चे देखो, पहले से 5,00,000 रुपीज का अमाउंट था एक शेयर 20 का, यानी कि पहले से आपको बैलेंस शीट में 25,000 इक्विटी शेयर थे, बोलो हाँ थे ना आपका, ये सर, तो 25 पहले से। एंड फोर्थ पॉइंट में चेकेजे, फोर्थ पॉइंट में आपने 10,000 और भी इक्विटी शेयर्स इशू किए थे 20 वाले, है ना, जो डिवेंचर्स को आपने दिया था, तो वो भी आ गए, तो टोटल 35,000 शेयर्स हो चुके हैं। और 35,000 पे 2 रुपीज पर शेयर कम हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा आपका 70,000। ध्यान रखना 35,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से हमने इसको क्या क्या कम कर दिया और हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद बस लास्ट में आपको ये ध्यान देना होता है, कोई फिक्टिशियस इफेक्ट्स या कोई लॉस अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है तो आप उसको हटाएं, चाहे बोले तब भी ना बोले तब भी। तो नाइन्थ एंट्री कुछ है ऐसा आपका बैलेंस शीट में नहीं है तो बस छोड़ दो। अब एक आपको बनाना पड़ेगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, टैली कर गया तो ठीक, नहीं तो फिर आपको एक एंट्री यहाँ पे पास करना होगा, वो गुडविल या कैपिटलाइजर से। तो नाइन्थ एंट्री जो होगा उसके लिए आप मेरे साथ बनाइए यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। मुझे लगता है कि अब आप ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर भी मेरे बच्चे आपको बहुत बेवकूफ, बड़ा बहुत 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 बड़ा बेवकूफ समझ के ये क्वेश्चन में करा देता हूँ। तो आप आइए जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, टू फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, टू फिक्स्ड एसेट्स बताइए कितना। तो आपकी वैल्यू अब हो गई यहाँ पे 4,00,000 ना, कितने से कम किया था हमने फिक्स्ड एसेट्स को, 5,00,000 से, तो 5,00,000 रुपीज का अमाउंट। इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम किया था, टू इन्वेस्टमेंट 150 का अमाउंट। फिर आपका करंट एसेट्स की भी वैल्यू हमने कम किया था, टू करंट एसेट्स कितने से, 50,000। इसके बाद इक्विटी को डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे भी नहीं। हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे 50,000 इनकम टैक्स पेबल, तो आपने बोला रिकंस्ट्रक्शन टू इनकम टैक्स पेबल, टू इनकम टैक्स पेबल, है ना, और ये कितने से था आपका 50,000 से, ठीक है। पेबल टू बैंक कुछ दिक्कत नहीं, बैंक टू यहाँ पे प्रेफरेंस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गया आपका
बाय बाय क्या जी, इक्विटी टू रिकन्स्ट्रक्शन, रिकन्स्ट्रक्शन में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 70,000। क्या टैली कर रहा है? नहीं टैली कर रहा है, तो अगर टैली ना करे तो कोई बात नहीं, डिफरेंस चेक करो कितना निकल के आ रहा है, कोई एंट्री छूटा तो नहीं है? नहीं सर। कितना हो गया आपका? 750, यहाँ पे 750, यहाँ भी आपका 750, तो 680,000 है ना। क्या बोल देंगे हम इसको? बाय गुडविल, बाय गुडविल, और ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, बैलेंसिंग फिगर। तो एंट्री बन गया गुडविल अकाउंट डेबिटेड, है ना, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 680 एंड 680। एंट्री कंप्लीट। क्या दिक्कत इसमें? क्यों नहीं बनेगा बताओ जरा। अरे क्यों नहीं बनेगा बताओ तो कम से कम। तो हमने क्या किया, ये भी एंट्री कंप्लीट किया आपको यहाँ पे। टाइम अभी है हमारे पास, नहीं टाइम हमारा खत्म हो चुका है क्लास का, और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। तो मेरे बच्चे आज हमने क्या किया, हमने आपके बुकलेट के दो क्वेश्चन ख़त्म किए, हमने थ्योरी ख़त्म किया, और हमने ख़त्म किया आपका यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, उसके बाद ये दो सारी बातें लगभग हम लोग सीख चुके हैं। अगली क्लास में जब मिलूंगा ना, तो मैं क्या करूँगा, अब थोड़े लेवल ऑफ क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा टिपिकल करेंगे, और मज़ेदार करेंगे, और खूब सारी मस्ती करेंगे। लेकिन आज की क्लास में बच्चे हम यहीं रोकेंगे, और अभी बुक के किसी भी क्वेश्चन को अभी आपको ट्राई नहीं करना है, जितना पढ़ा दिया उसी का रिविजन करके आप आइए। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी, जय सी एम ए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है, और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CA फाउंडेशन। हेलो, माय नेम इज अंशिका एंड आई एम डूइंग CA इंटरमीडिएट। आई एम फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ CUC सिंस क्लास 11 एंड नाउ इन फाउंडेशन। आई हैव परचेस्ड माय CMA इंटरमीडिएट फ्रॉम CUC एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग द CMA फाइनल्स। मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर के क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करो, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे, आप लाइव क्लासेस में बैठे। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर टू माय कंप्लेंट्स। थैंक्स टू COC माय कॉन्सेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। संतोष सर, आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें, और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।